अच्छा भाई साहब, यहां तक कि अगर आप देखेंगे बेसिक इनकम टैक्स अथॉरिटी, रिटर्न ऑफ इनकम, एग्रीकल्चर एंड कैपिटल गेन खत्म हो गया है। अब कैपिटल गेन पढ़ते पढ़ते हमें दो चीजें पढ़ने को मिली थी। एक बायबैक वाला कंसेप्ट आया था 1034A के अंदर में, और लिक्विडेशन वाला कंसेप्ट भी आया था सेक्शन 46(1) के अंदर में। अब जब आप आगे जाते हैं मॉड्यूल में, आपको एक टॉपिक मिलता है असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी। अब ये असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज जो है, इसके अंदर में आपको दो छोटे और टॉपिक मिलते हैं, और वो दो छोटे टॉपिक होते हैं, एक टैक्सेशन ऑफ बायबैक एंड सेकेंड टैक्सेशन ऑफ लिक्विडेशन। तो अगले जो दो टॉपिक होंगे हमारे, वो बेस्ड होंगे टैक्सेशन ऑफ बायबैक एंड टैक्सेशन ऑफ लिक्विडेशन के ऊपर। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टैक्सेशन ऑफ बायबैक। अब सबसे पहले ये जो टैक्सेशन ऑफ बायबैक है, ये जो सबसे पहले टैक्सेशन ऑफ बायबैक है, ये क्या होता है? देखिए, जब भी मैं ये चैप्टर कहूंगा ना कि भैया टैक्सेशन ऑफ समथिंग, मतलब हमें दोनों एस्पेक्ट समझने होंगे। एक जो बायबैक कर रहा है वो, दूसरा जिसको बायबैक का बेनिफिट मिल रहा है वो, तभी जाकर के तो हम इंटरलिंकिंग से पढ़ पाएंगे, से यस और नो। तो हमें क्या करना होगा, अब दोनों एस्पेक्ट्स को समझने होंगे। एक जो बायबैक कर रहा है उसके हाथ में टैक्सेशन एस्पेक्ट क्या, दूसरा जिसका बायबैक हो रहा है उसके हाथ में टैक्सेशन एस्पेक्ट क्या, राइट? लेकिन इस चीज को समझने से पहले लेट अस गो एंड लर्न सम हिस्ट्री, चेक इट आउट। बायबैक पे आखिर टैक्सेबिलिटी लाई ही क्यों गई और किसके हाथ में लाई गई, इस बात को समझते हैं। मैं टाइमलाइंस के साथ थोड़ा सा बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। देखिए, प्रायर टू 2003, एक 2003 टू 2020 एंड पोस्ट 2020, इस टाइमलाइन उसको समझिए। और क्यों इस प्रोविजन को लाया गया था ये समझिए। ये दो जगह काम आएगा, जब हम टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड दैट इज IFOS पढ़ते रहेंगे, और दूसरा जब हम टैक्सेशन ऑफ बायबैक भी पढ़ रहे हैं। 2003 के पहले अगर कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर होता था तो ये डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में क्या था, टैक्सेबल था। 2003 के पहले जब भी कोई डिविडेंड डिक्लेयर होता था, ये डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता था, ठीक। एंड कंपनीज को इसके ऊपर देयर वाज नो टैक्स, कंपनी को इसके ऊपर देयर वाज नो टैक्स। 2003 में प्रोविजन को चेंज किया गया एंड कंपनी को बोला गया, कंपनी यू आर लाइबल टू DDT। DDT का मतलब होता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। मालिक DDT का मतलब क्या होता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो लगता था, ये लगता था एट द रेट ऑफ 15%। मतलब अगर कंपनी कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो कंपनी इज लाइबल टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। यस, इसके लिए एक सेक्शन था, सेक्शन था 115 ओ, सेक्शन क्या था, 115 ओ। इसके तहत कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता था जब भी वो अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती थी, और शेयर होल्डर के हाथ में इसे क्या कर दिया गया था, एग्जम्प्ट कर दिया गया था अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। तो शेयर होल्डर के हाथ में इसे क्या कर दिया गया था, एग्जम्प्ट कर दिया गया था अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। अब जब कंपनी के हाथ में टैक्सेबिलिटी आई तो कंपनी पहुंची प्रोफेशनल्स के पास और कहा कि प्रभु पथ प्रदर्शित करो, ये कंपनी प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और कंपनी इस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भी भर रही है, तो भैया ये जो टैक्स है ये हमारे हाथ में तो नहीं आना चाहिए, इसके लिए कोई रास्ता निकालो, इसके लिए कोई क्या निकालो, रास्ता निकालो। अब यहां एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो प्रोफेशनल्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सजेस्ट किया डोंट डिक्लेयर डिविडेंट, इंस्टेड बाय बैक। अंडरस्टैंड, यहां प्रोफेशनल ने कंपनीज को सजेस्ट किया कि आप कंपनी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट मत करो, रादर बायबैक कर लो एट अ हायर प्राइस, बिकॉज बायबैक वॉज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स बाय कंपनी, इट वॉज टैक्स ऑलवेज इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो कंपनी ने अपनी लाइबिलिटी शिफ्ट करने के लिए प्रोफेशनल के पास गए, कहा कि हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम ही उसके ऊपर टैक्स भर रहे हैं, आप कुछ तो करिए, मतलब इनकम टैक्स के अलावा हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी दे, आप कुछ तो करिए। सारे प्रोफेशनल ने सजेस्ट किया, उन्होंने कहा आप ये दिमाग लगाना ही छोड़ दो, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट मत करो, आप एक काम करो हायर रेट पे बायबैक कर दो। दो फायदे होंगे, फायदा नंबर पहला कि आपके हाथ की टैक्सेबिलिटी शेयर होल्डर के हाथ में चले जाएगी क्योंकि ये बायबैक है, डिविडेंड नहीं, और फायदा नंबर दूसरा आपका इक्विटी आपके पास वापस आ जाएगा, मतलब कंपनी अपना पैसा, ओनर अपना पैसा क्या कर पाएगा, अपने पास रख पाएगा, अपने राइट्स अपने पास रख पाएगा, शेयर होल्डर पिक्चर से गायब हो जाएंगे, ज्यादा पावर आपका बन जाएगा कंपनी में,
कंपनीज को ये बहुत गजब लगा, उन्होंने कहा वाह डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, रादर हम बायबैक कर लेते हैं, किसी शेयर होल्डर को अगर फिर से शेयर चाहिए होगा वो फिर से खरीद लेगा, हम क्यों दिमाग लगाएं, हम तो हायर रेट पे बायबैक कर दे, हमारा 15% टैक्स सेव हो जा रहा है। दूसरी बात, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पीजीबीपी में अलाउड नहीं है व्हाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी, ना ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अलाउड था एज डिडक्शन, तो कंपनी को तो ये चुभ रहा था बहुत ज्यादा, क्योंकि ना डिविडेंड पे कर रहा है वो पीजीबीपी में डिडक्शन मिल रहा, इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नॉट एन एक्सपेंसेस। और दूसरी बात, जो डीडीटी पेड है इट इज इन द नेचर ऑफ डायरेक्ट टैक्स पर्सनल टैक्स, तो उसका भी डिडक्शन नहीं मिल रहा, तो कंपनी को चुभे जाए। कंपनी पहुंच गई, बोले प्रभु पथ प्रदर्शित करो, प्रभु ने क्या कहा, एक काम करो डिविडेंड ही डिक्लेयर मत करो, रादर बायबैक कर दो हायर प्राइस पे। लाइबिलिटी किसके हाथ में शिफ्ट हो गई, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को लगता है फिर से शेयर लेना, वो फिर से शेयर ले लेगा, आप तो बायबैक कर दो, आप तो क्या कर दो, बायबैक कर दो। कई सालों बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आ गया, अब लोग डिविडेंड ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, रादर लोग क्या कर रहे हैं, बायबैक। कई बड़ी कंपनी, रिलायंस, आईटीसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी, इंफोसिस, टीसीएस, बड़ी बड़ी कंपनीज ने धनाधन धनाधन बायबैक मारने शुरू किए। बोले हम तो बायबैक मारेंगे, अब हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। शेयर होल्डर का डिविडेंड एक बहुत बड़ा इनकम होता है। अब लोग को समझ में आ गया कि भैया पहले कंपनी डिविडेंड दिया करती थी, अब तो डिविडेंड ही नहीं दे रही, इन्वेस्टर के बीच में ये पसर गया, अब कंपनीज डिविडेंड नहीं देती, अब कंपनीज क्या नहीं करती, डिविडेंड नहीं देती, तो स्टॉक मार्केट में पैसा मत लगाओ, स्टॉक मार्केट जाए नीचे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ गया भाई कुछ तो गड़बड़ है, यहां कुछ तो गड़बड़ चल रही है ब्रो, ऐसा नहीं हो सकता, अचानक कंपनी से क्या प्रॉफिट गायब हो गए, नहीं। तो देखा गया एक ट्रेंड चालू हो चुका है, एंड द ट्रेंड इज बार 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 बाय बैक लाए जा रहे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला हम बाय बैक को ही क्या कर देंगे टैक्स। नाउ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स लगा दिया अगर आप बाय बैक भी करते हो तो जस्ट लाइक 194 ओ, इन्होंने बोला अगर कंपनी बायबैक कर रही है तो कंपनी को भी क्या करना पड़ेगा, बायबैक पे टैक्स देना पड़ेगा। और इसके लिए एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया, 115 QA। यस, इसके लिए एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, 115 QA, कि अगर कंपनी कभी भी बायबैक करेगी तो बायबैक के टाइम पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है इसके ऊपर क्या करेंगे, बायबैक पे टैक्स देंगे। क्या देंगे बोलो जल्दी से, बायबैक पे टैक्स देंगे। और क्योंकि सोच के देखना, क्योंकि कंपनी बायबैक पे टैक्स दे रही है तो शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर के हाथ में हो जाएगा एग्जम्प्ट, यस और नो। और इसके लिए एक सेक्शन लेके आए 1034A, आप देख रहे हो 1034 1034A। तो चलिए पूरी हिस्ट्री मेरे को समझाइए, ये टैक्स लाए ही क्यों, ऑब्जेक्टिव क्या था। 2003 से पहले क्या होता था, शेयर होल्डर को जब भी डिविडेंड मिलता था ये टैक्स होता था, और कंपनी कोई टैक्स नहीं भरती थी। 1/4/2003 से लाइबिलिटी शिफ्ट कर दिया, कंपनी को बोला आप डीडीटी दो और शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट कर दिया। यहां कंपनी किसके पास पहुंच गई, प्रोफेशनल, वो बोल रहे हैं ना डिविडेंड का डिडक्शन मिल रहा पीजीबीपी में, ना डीडीटी पेड का डिडक्शन मिल रहा, मेरे को तो आप कुछ नया रास्ता सजेस्ट करो। कंपनी ने क्या सजेस्ट किया, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बायबैक गो फॉर सॉरी इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डिविडेंड गो फॉर बायबैक। यस, कई सालों तक चलता रहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आया कि भैया शेयर होल्डर कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है स्टॉक मार्केट में, एट द सेम टाइम कंपनी कुछ तो रूट अपना रही है जो अपने को नहीं समझ रहा। तब जाके उनको गेम समझ में आ गया कि लोग क्या कर रहे हैं, बायबैक। तब जाके एक नया प्रोविजन फिर से इंसर्ट किया, जस्ट लाइक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। उनने कहा कि बेटा कंपनी कभी भी बायबैक करेगी, कंपनी के हाथ में क्या मान लो, इसे टैक्स कर दो, कंपनी को अब बायबैक पे भी टैक्स देना पड़ेगा। यस, और सिंस कंपनी टैक्स दे दे रही है तो पास थ्रू स्टेटस में शेयर होल्डर के हाथ में उसके ऊपर टैक्स लगने वाला नहीं है, तो शेयर होल्डर के लिए नई प्रोविजन इंसर्ट कर दी 1034A। फिर 2020 आया, 2020 में फिर हम क्लासिकल मॉडल पे आ गए, 2020 में हम फिर क्लासिकल मॉडल पे आ गए। शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, किसके ऊपर, डिविडेंड के ऊपर। कंपनी इसको देर इज नो डीडीटी, अगर कंपनी बायबैक कर ले तो कंपनी इज लाइबल टू टैक्स अंडर 115 QA, और शेयर होल्डर को अगर बायबैक में कुछ मिल रहा है तो वो क्या है, एग्जम्प्ट। मतलब 2020 के बाद जो दोनों प्रोविजन थी दोनों को नलीफाई कर दिया। 2020 के बाद डिविडेंड फिर शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल, पर डिविडेंड पे कंपनी को टैक्स नहीं देना, पर बायबैक अगर कंपनी करेगी तो टैक्स देना है और शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट।
पूरा टाइमलाइन समझ में आया, बायबैक टैक्सेशन किस तरह से पिक्चर में आया, मजा आया? लिखना चाहते हो ये वाई बायबैक प्रोविजन स्कीम, ये है उसका हिस्ट्री। एग्जाम में ये आपको पूछेगा नहीं, पर बेटर नॉलेज के लिए ये आपके पास होना चाहिए कि ये क्यों लेके आए। सर जी डन, चलो। तो ये था कि बायबैक के ऊपर टैक्सेबिलिटी आई कैसे, ये था आपके बायबैक के ऊपर टैक्सेबिलिटी आई कैसे। अब समझिए इधर बेस कॉन्सेप्ट, आपका बेस कॉन्सेप्ट किस तरीके से है। मान लीजिए कंपनी पकड़ते हैं, कंपनी एनी कंपनी, चलो समझते हैं टीसीएस लिमिटेड, ठीक। ये है शेयर होल्डर्स। टीसीएस लिमिटेड के ऊपर जब भी ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या करेंगे बोलो, इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑन बायबैक, कंपनी के ऊपर 115 क्यूए लगेगा एंड कंपनी इज लाइबल टू टैक्स। तो कंपनी के ऊपर 115 क्यूए लगेगा, कंपनी इज लाइबल टू टैक्स, द टैक्स इज 23.296% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। बायबैक के ऊपर टैक्स है 23.296% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। सर ये कैसे आया, 20% इज टैक्स प्लस 12% इज सरचार्ज प्लस 4% एज सेस। तो टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम इज 20%, सरचार्ज मैंडेटरी है 1 रुपए से भी एंड 4% सेस है, तो जिसका इफेक्टिव रेट आता है 23.296%। शेयर होल्डर के हाथ में ये क्या हो जाने वाला है, एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1034A। द मेन गेम, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है? यस, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस। डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम किसे माना जाएगा, बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस। अब इशू तो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, इशू प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, इसके लिए एक रूल है, रूल 40BB। क्योंकि इशू देखो बोनस शेयर भी हो सकता है, शेयर इशू अमलगमेशन में भी हो सकता है, शेयर इशू डीमर्जर में भी हो सकता है। यस, इशू अलग अलग आईपीओ से हो सकता है, एफपीओ से हो सकता है, तो शेयर इशू अलग अलग प्रोसेस से हो सकता है, उस केस में इशू प्राइस क्या मानेंगे, ये हम रूल 40BB में पढ़ेंगे। यानी टेक्निकली यहाँ पे पढ़ना तीन चीजें है, पहली चीज आपको पढ़नी है 115QA, दूसरी चीज पढ़नी है 1034A, तीसरी चीज हमने पढ़नी है रूल 40BB। यस, कंसेप्ट ऑफ बायबैक इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, कंसेप्ट ऑफ बायबैक इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी अगर कभी भी बायबैक कर रही है, तो डोमेस्टिक कंपनी जो बायबैक कर रही है उस पर सेक्शन 115QA आएगा, वो आएगा 23.296%। यस और नो? अच्छा, ये टैक्स कब तक पे करना है, पे द टैक्स, पे द टैक्स विद इन 14 डेज, पे द टैक्स विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टू शेयर होल्डर। 14 दिन के अंदर में
14 दिन के अंदर में आपको क्या करना है, ये बायबैक के ऊपर का टैक्स दे देना है। तो आज अगर मैं शेयर होल्डर को दे रहा हूं, तो जिस दिन शेयर होल्डर को दे रहा हूं वहां से 14 दिन के अंदर में ये टैक्स 23.296% ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे मेरे को टैक्स दे देना है। क्लियर है? चलो पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। अगर टीसीएस कभी भी बायबैक करता है, टीसीएस इज लाइबल टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 23.296% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम मतलब क्या? बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस। टेक्निकली मैं उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ना, बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस। अब इशू तो अलग अलग जगह से हो सकते हैं, तो इशू प्राइस क्या कंसिडर करना, ये लिखा है रूल 40BB के अंदर में। अब जब यहां पे शेयर होल्डर को रिसीव हो रहा है, शेयर होल्डर के हाथ में ये क्या है, एग्जम्प्ट है। क्लियर है? ये है मेन प्रोविजन। आओ इधर, यहां पे स्टार मार्क करो, सेक्शन 115QB, इफ टैक्स नॉट पेड इन 14 डेज। बोलो बेटा, बोलो बोलो। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम फिफ्टींथ डे। बहुत हार्ड, तो ये हो गया आपका लॉ इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। ये हो गया आपका लॉ इन केस ऑफ, बोलो बेटा, डोमेस्टिक कंपनी। मान लीजिए डोमेस्टिक कंपनी के अलावा अगर कोई बायबैक कर रहा है, जैसे इंडियन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी और इंडियन कंपनी के डेफिनेशन में डिफरेंस है, मैं आपको मैट में सिखाऊंगा, राइट? तो मान लीजिए अगर कोई फॉरेन कंपनी बायबैक कर रही है, या इफ इन केस अदर देन डोमेस्टिक कंपनी बायबैक कर रही है, तो उसका क्या हो, क्या होगा? बायबैक बाय कंपनी अदर देन, बोलो बेटा, डोमेस्टिक कंपनी। When I talk about company, no 115QA, that is no liability for company. Shareholder, shareholder is liable to tax and they will be सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 46A। दे विल बी लाइबल टू कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 46A। तो अगर अदर देन डोमेस्टिक कंपनी बायबैक होता है, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी बायबैक होता है, तो भाई साहब क्या होगा, मालिक शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, कंपनी को ये नहीं है। इन शॉर्ट 115QA इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द कंपनी इज अ डोमेस्टिक कंपनी। यस, अगर ये डोमेस्टिक कंपनी है ही नहीं तो 115QA एप्लीकेबल नहीं है। उस केस में पास ऑन स्टेटस से वो सीधा शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स होगी। अब इस पे कैपिटल गेन जैसे निकलता है नॉर्मल तरीके से, वैसे ही निकलेगा 46A के हिसाब से। यस, इन शॉर्ट व्हाट एवर इज द अमाउंट रिसीव विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट, देर विल बी कैपिटल गेन। ठीक, मतलब कैपिटल गेन कंप्यूटेशन कुछ अलग नहीं है, सिर्फ लाइबिलिटी टू टैक्स 46A से आ रही है। ठीक, कैपिटल गेन में फिर एक बार रिकॉल करेंगे। चलिए भाई साहब, लगभग चैप्टर ओवर हो गया, इधर आइए। चलो जी, तो टैक्सेशन ऑफ बायबैक को समझने के बाद क्यों ना ये सारी प्रोविजन को एक बार पढ़ लिया जाए। चलो आओ फटाफट इस प्रोविजन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 115QA, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, जो हमें बताता है 23.296% देना है। किसको देना है सर? कंपनी को देना है। सो इन केस ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी, एनी अमाउंट गिवन टू शेयर होल्डर ऑन बायबैक ऑफ शेयर विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 20% प्लस मैंडेटरी सरचार्ज ऑफ 12% प्लस HEC एट द रेट ऑफ 4%। तो कंपनी को क्या करना है, बायबैक के ऊपर इफेक्टिव टैक्स देना है 23.296%।
अब डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे 23.296% देना है। अब आप बोलेंगे सर डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम का मतलब होता है बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस, बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम इशू प्राइस कंसिडर करते रहेंगे, इसमें अगर हमने इशू के टाइम पे कोई प्रीमियम दिया था वो भी हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। इशू के टाइम पे अगर हमने कोई प्रीमियम लिया था वो भी हम क्या करेंगे, इसमें कंसिडर करेंगे। सो बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस, ये आपका क्या रहेगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। और डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे आप कितना लेंगे बेटा, 23.296%। अब ध्यान से सुनना, नीचे जब आप आओगे तो यहां पे आपको क्या दिखेंगे बेटे, इशू प्राइस दिखेगा। इसके लिए एक पूरा रूल है, रूल 40BB, दैट इज इशू प्राइस। अलग अलग केस में इशू प्राइस क्या होगा, इसकी एक पूरी लिस्ट आपको यहां पे दी हुई है, अलग अलग केस में इशू प्राइस क्या होगा। वेल टू बी ऑनेस्ट यू नो, टैक्सेशन ऑफ बायबैक आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, इतना ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है, तो ये इशू प्राइस जो है इसको बस एक बार पढ़ना है और छोड़ देना, राइट? इसको बिल्कुल लर्न करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनेशन में आपको इशू प्राइस दिया हुआ होगा, राइट? सो अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी क्या करती है बेटा, बायबैक करती है, कंपनी को टैक्स देना है कितने परसेंट से, 23.296% से। किसकी चीज के ऊपर? डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम मतलब क्या हो गया बेटा, बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस। अच्छा जी सर, क्या मान लीजिए कंपनी को कोई टैक्स पेबल नहीं भी आ रहा तो भी क्या बायबैक के ऊपर टैक्स देना है? अंडरस्टैंड, कंपनी को इनकम टैक्स देना है या नहीं देना, इट इज इररिलेवेंट। अगर बायबैक हो रहा है तो उसको यह टैक्स देना ही पड़ेगा। दिस इज सबसेक्शन 2। The tax on buyback is payable even when no income tax is payable by a domestic company. तो income tax payable नहीं भी है तो भी आपको ये law follow करना ही है। अब आप पूछेंगे कि सर buyback करने के बाद कितने दिनों में ये tax को देना है? You have to pay it within 14 days. Subsection 3. The principal officer of the domestic company shall be liable to pay such tax within 14 days from the date of payment of any consideration to the shareholder. जब भी आप कोई consideration देते हैं shareholder को, वहां से 14 days के अंदर में आपको क्या करना है? Pay करना है। Yes. और ये जो टैक्स आप दे रहे हैं ये फाइनल पेमेंट ऑफ टैक्स माना जाएगा विद रिस्पेक्ट टू बायबैक। सो टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इनकम शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल पेमेंट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड इनकम एंड नो फर्दर क्रेडिट देयर शैल बी क्लेम्ड बाय द कंपनी बाय एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट सो पेड। तो ये जो टैक्स कंपनी पे कर रही है बायबैक का, इसका कोई क्रेडिट आपको मिलने वाला नहीं है, ये फाइनल पेमेंट ऑफ टैक्स माना जाएगा। अच्छा जी सर, जब आप ये 23.296% देते रहेंगे ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, राइट, यू नो इसमें से आप यू नो बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस माइनस करते हो, ध्यान रखिएगा इशू प्राइस माइनस करने के अलावा कोई अदर डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू कंपनी और शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम विच हैज बीन चार्ज टू टैक्स अंडर 115QA। तो भैया इसमें आपको कोई भी डिडक्शन अदर मिलने वाला नहीं है। अब आपने कहा कि अगर बायबैक होता है तो कितने दिन के अंदर में पेमेंट करना है, विद इन 14 डेज। मान लो 14 डेज में पेमेंट नहीं किया तो क्या हो जाएगा, 115QB इज द अनदर सेक्शन। 115QB बोलता है बेटा कितने परसेंट से इंटरेस्ट होना चाहिए, 1%। तो चेक करिए, वेयर द डोमेस्टिक कंपनी फेल टू पे द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स, ही शैल बी लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम 15th टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ का आपको क्या देना पड़ेगा बेटा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डोमेस्टिक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी एसोसिएट इन डिफॉल्ट इफ इट्स नॉट पेड एंड ऑल प्रोविजन ऑफ फॉर कलेक्शन एंड रिकवरी शैल अप्लाई। अगर ये कंपनी क्या नहीं कर देती है बेटा, टैक्स पे नहीं करती है, तो एसएससी को क्या माना जाता है, एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। तो एसएससी इन डिफॉल्ट होने पे कंपनी के केस में, ध्यान से सुनिए, एसएससी इन डिफॉल्ट होने के केस में कंपनी के केस में कंपनी को क्या पे करना पड़ता है बेटा, इंटरेस्ट। अब शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा, क्योंकि कंपनी इसके ऊपर टैक्स दे रही है तो पास थ्रू स्टेटस के तहत कंपनी के जो शेयर होल्डर है इनको तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और यही चीज हम लोग कैपिटल गेन में भी पढ़ के आए हैं, द अमाउंट रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर ऑन बायबैक शैल बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1034A। इट इज टू बी नोटेड दैट रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर इज ऑल्सो ट्रीटेड एज बायबैक ऑफ शेयर्स। इज दैट डन? अच्छा जी सर, अभी जितना भी लॉ आपने पढ़ा ये सारा का सारा तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए है, व्हाट अबाउट अदर कंपनी? अदर कंपनी क्या करे? याद रखे, अदर कंपनी के केस में देयर इज नो टैक्स ट्रीटमेंट, शेयर होल्डर इज लायबल टू पे, राइट? एज पर सेक्शन 46A कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो भैया अदर कंपनी के केस में भी, कंपनी के केस में तो कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, हां फिर
कंपनी को अगर 23.296% पे नहीं करना है तो वो किसके हाथ में टैक्सेबल हो गया बेटा? शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो गया, क्योंकि अब कंपनी नहीं देगी। तो अदर देन डोमेस्टिक कंपनी अगर कोई बायबैक करती है तो कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना है, कौन देगा बेटा? शेयर होल्डर फिर अपने नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से वो क्या देगा? टैक्स देगा। सो दिस वॉज योर टैक्सेशन ऑफ बायबैक। नीचे यहां पर क्या दिया हुआ है? इशू प्राइस, अलग अलग केस में इशू प्राइस क्या होगा वो आपको दिया हुआ है। एक बार बस रीड करना और छोड़ देना, इसके आगे आपको रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दैट्स हाउ योर वन सिंपल टॉपिक टैक्सेशन ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स कम टू एन एंड। यस मालिक। अब अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन बैंक निकालिए, क्वेश्चन बैंक के अंदर में इसके क्वेश्चंस भी है और मैं भी क्वेश्चन बैंक आपके साथ साथ में निकालता हूं, राइट? मैं भी क्वेश्चन बैंक आपके साथ साथ में निकालता हूं। और क्वेश्चन बैंक अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 29 आपको बायबैक दिखेगा और बायबैक के अंदर में दो क्वेश्चन है। ये जो दोनों क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं पास्ट एग्जाम के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लीजिएगा, ये इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग साथ में करेंगे, राइट? क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग साथ साथ में करेंगे। तो प्लीज चेक, एक्स्ट्रा लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 33 लाख, विच वॉज इंक्लूडेड इन जनरल रिजर्व, ठीक है। ऑन 1/8/23 द कंपनी रिडीम्ड इट्स रिडीमेबल बोनस शेयर 9,09,000। शेयर होल्डर होल्डिंग 10% ऑफ इक्विटी शेयर बोरोड 3 लाख फ्रॉम द कंपनी एट 18% पर एनम। कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड 14 लाख एट एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड on 39/2023, but dividend remain unpaid up to 31/March 2024. Explain the treatment of above in the hands of shareholder and company. अब सबसे पहली बात इधर आई है, कंपनी redeem its shares, कंपनी अगर redemption भी कर रही है तो यह भी क्या माना जाता है बेटा? बायबैक माना जाता है। यह भी क्या माना जाता है बेटा? बायबैक माना जाता है। तो redemption of preference shares also amounts to what beta? Buyback. And there is no deemed dividend, and there is no deemed dividend when a company buy back its share, right? Since the share are unlisted, 115 QA is attracted and company shall pay 23.296% on the distributed income. अब यहाँ पे distributed income में issue price तो दिया नहीं है, तो सीधा 9,09,000 को ही हम लोग क्या मान लेंगे? Distributed income मान लेंगे और इसके ऊपर 23.296% आएगा। So 9,09,000 into 23.296% this comes to 2,11,761। अब बताइए कंपनी रिडम्पशन के ऊपर क्या कर रही है? टैक्स दे रही है, तो शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। सो अमाउंट रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1034A। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। शेयर होल्डर 10% इक्विटी होल्ड कर रहा है कंपनी की और उसने कंपनी से 3 लाख रुपए बोरो किए हैं एट 18% पर एनम, यस ऑर नो? अच्छा जी, यहां पर देखो बेटा ये एक और मिक्स क्वेश्चन है जहां पे IFOS भी आता है। अब IFOS का एक सेक्शन है बेटा 222E। अब ये 222E क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। अगर कोई शेयर होल्डर है जिसने कंपनी के अंदर में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड किया है, दैट इज 10% ऑफ वोटिंग राइट, कंपनी उसको या किसी कंसर्न में जिसमें उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है अगर उसको क्या देती है, कोई यू नो लोन प्रोवाइड करती है, सच लोन एंड एडवांस इज ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सो नाउ सिंस द कंपनी हैज गिवन टू लोन टू द शेयर होल्डर होल्डिंग 10% इज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, अकॉर्डिंगली 3 लाख शैल बी असेस्ड एज डिविडेंड इनकम इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अंडर द हेड ऑफ IFOS। यस, अच्छा जी, अब साथ साथ में एक और चीज बता देता हूं। अगर डिविडेंड है और डिविडेंड का अमाउंट कितने से ऊपर जा रहा है बेटा? 10,000 से ऊपर जा रहा है, तो इस पे 194 का TDS भी आता है। इसीलिए फर्दर देखिए, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS एट द रेट ऑफ 10% ऑन द डीम डिविडेंड ऑफ ₹3 लाख अंडर सेक्शन 194। यस, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे एक और चीज लिखी है, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। आपको तो पता ही है 2020 के बाद डिविडेंड क्या हो चुका है? टैक्सेबल हो चुका है। तो जितना भी डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर रही है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। सो डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन AGM शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर।
इज दैट डन? चलो आए हैं तो एक और क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं. एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू इफेक्ट बायबैक यस इन एन ओपन मार्केट ड्यूरिंग द ईयर. एक्स लिमिटेड परचेज 10,000 शेयर, डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन इन दैट्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड शेयर होल्डर. अब यहाँ पे दोनों का टैक्स इम्प्लीकेशन पूछा है. बताओ एक्स लिमिटेड जितना भी बायबैक कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम के ऊपर उसको 23.296% देना होगा. यही कंपनी के हाथ में क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1034A, याद आ रहा है आपको? सो एज पर 115QA एक्स लिमिटेड शैल पे टैक्स एट द रेट ऑफ 23.296%. यस, एज पर सेक्शन 1034A डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम शैल बी एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. यस, ऑल्सो देर विल बी नो डीम डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अंडर 222 प्रोवाइडेड दैट द डिविडेंड शैल नॉट इंक्लूड पेमेंट बाय कंपनी ऑन परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर. लीजिए सर, टैक्सेशन ऑफ बायबैक भी आपका ओवर हुआ अलॉन्ग विद द क्वेश्चनेयर. यस, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं. यस सर, तो चलिए अब हम लोग टैक्सेशन ऑफ बायबैक के बाद में नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं हमारा, टैक्सेशन ऑफ लिक्विडेशन. अभी भी जब हम लोग कैपिटल गेन पढ़ रहे थे तो कैपिटल गेन के साथ साथ में हम लोगों ने क्या किया था बेटा? कैपिटल गेन के साथ साथ में हम लोगों ने लिक्विडेशन नाम का भी एक प्रोविजन पढ़ा था जो हमने 46(1) एंड 46(2) के अंदर में देखा था. बस इसी तरीके का कंसेप्ट यहाँ पे लिक्विडेशन के अंदर में भी कवर है कि कंपनी अगर कभी भी लिक्विडेट होती है तो क्या होता है. अगेन असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी का एक टॉपिक है, एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, छोटा ही टॉपिक है और आराम से हम लोग कर लेंगे. यस और नो? एक छोटा सा मोटिवेशन, गुड थिंग कम्स टू गो हु गो आउट एंड अर्न इट. बैठे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ मिलने वाला है, तब अदरवाइज आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है. तो जो व्यक्ति कुछ निकलता है, कुछ करता है, कुछ मेहनत करता है, यू नो इस पे एक शायरी भी है कि मंजिलें तो मिल ही जाएंगी, घर से निकलते तो सही, भटके तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. तो भाई साहब, आपको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपकी जिंदगी लिक्विडेट ना हो जाए. चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, लिक्विडेशन. राइट, चलिए तो चालू करते हैं टैक्सेशन ऑफ लिक्विडेशन. अब जब भी मैंने कहा कि भैया हम किसी भी चीज का टैक्सेशन देखते हैं, मतलब हम एग्जैक्टली किसी भी चीज का क्या देखते हैं, हम किसी भी चीज का कंपनी के हाथ में उसका यू नो ट्रीटमेंट क्या होगा, साथ साथ में द अदर पार्टी दैट इज शेयर होल्डर के हाथ में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा. तो आइए समझते हैं कंपनी के हाथ में क्या होगा. जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो कंपनी के हाथ में क्या होता है, वी ऑल नो. सबसे पहले यहां पे एक सेक्शन अप्लाई करता है, सेक्शन 178. सेक्शन 178 कहता है कि व्हेनेवर देयर इज अ लिक्विडेशन अ लिक्विडेटर विल बी अपॉइंटेड एज पर द कंपनीज एक्ट. दैट लिक्विडेटर इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट टू द रिस्पेक्टिव एओ दैट अ लिक्विडेटर हैज बीन अपॉइंटेड. सो लिक्विडेटर विल फर्स्ट कम्युनिकेट टू द यू नो assessing officer who is presiding over the company or with the respective jurisdiction that a liquidator has been appointed in this particular company. और ये जो होता है ना, ये 30 days के अंदर में होता है. So liquidator जैसे ही appoint होता है उसको 30 दिन के अंदर में income tax department को communicate करना पड़ता है. अब यहाँ क्या होता है, mandatory assessment होता है. यहाँ पे क्या होता है, mandatory assessment होता है. mandatory assessment किस तरीके से होता है, mandatory assessment मालिक इस तरीके से होता है that जो आपका एओ होता है ना, आपका एओ, राइट, ये एओ अब आपका असेसमेंट करेगा और असेसमेंट करने के बाद, और असेसमेंट करने के बाद 3 महीने के अंदर में वो क्या निकालेगा, वो यू नो आपकी लाइबिलिटी निकाल करके देगा कि भैया आपकी इतनी लाइबिलिटी आ रही है. सो पॉइंट नंबर वन, लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, 30 डेज के अंदर में कम्युनिकेट करेगा कि लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है. पॉइंट नंबर टू, एओ ऑफ 3 मंथ्स के अंदर में जो भी कंपनी का लाइबिलिटी होती है वो लाइबिलिटी कम्युनिकेट करेगा और साथ साथ में यही वो लिक्विडेटर को कम्युनिकेट करता है कि इतनी अमाउंट तक के एसेट्स आपको क्या रखने हैं, साइड रखने हैं, जिसको आप सेल नहीं कर सकते विदाउट माई परमिशन, जिसको आप सेल नहीं कर सकते विदाउट माई परमिशन. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. अब क्या होगा, 2 पॉइंट होंगे. एक, लिक्विडेटर ने अगर उतना पार्ट असेट बाजू नहीं रखा या टेक केयर नहीं किया उस अमाउंट का, या क्या नहीं किया बेटा, टेक केयर नहीं किया उस अमाउंट का, तो ऐसे केसेस के अंदर में क्या होगा बेटा, ऐसे केसेस के अंदर में ये उसकी पर्सनल लाइबिलिटी बन जाएगी. यस, ऐसे केसेस के अंदर में ये उसकी क्या बन जाएगी बेटा, ये उसकी पर्सनल लाइबिलिटी बन जाएगी. सो कम ऑन, लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, 30 दिन के अंदर में कम्युनिकेट करेगा दैट लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड. पॉइंट नंबर टू, जब भी वो अपॉइंट हुआ एओ 3 मंथ्स के अंदर में कंपनी की लायबिलिटी निकालेगा और साथ साथ में ये कम्युनिकेट करेगा कि भैया हाँ
इतने एसेट आपको बाजू रखने हैं। अगर लिक्विडेटर ने एसेट बाजू नहीं रखे तो क्या होगा, ये उसकी पर्सनल लाइबिलिटी बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी बेटा, उसकी पर्सनल लाइबिलिटी बन जाएगी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट एक और है कि भैया अगर मान लीजिए एक से ज्यादा लिक्विडेटर अपॉइंट हुए तो, ऐसा पॉसिबल है ना कि किसी कंपनी में एक से ज्यादा लिक्विडेटर अपॉइंट हुए? अगर किसी कंपनी में एक से ज्यादा लिक्विडेटर अपॉइंट होते हैं तो ऐसे केसेस के अंदर में जो लाइबिलिटी होगी वो लिक्विडेटर की जॉइंट एंड सेवरल होगी। वो लिक्विडेटर की लाइबिलिटी कैसी हो जाएगी बेटा, जॉइंट एंड सेवरल हो जाएगी। यस ऑर नो? चलिए, हालांकि तीन केसेस ऐसे हैं जहां पे लिक्विडेटर क्या कर सकता है, असेट्स को सेल कर सकता है। तीन केसेस ऐसे हैं जहां पे लिक्विडेटर क्या कर सकता है, असेट्स को सेल कर सकता है। पॉइंट नंबर वन, ये जो असेट है वो सेल कर रहा है टैक्सेस पेमेंट के लिए ही। मतलब जनरली हम क्या करते हैं, असेट को सेट असाइड कर देते हैं, पर ये असेट को भी वो सेल कर सकता है तीन रीजन की वजह से। पहला, अगर इससे उसको क्या पे करना है, टैक्सेस पे करना है। दूसरा, इससे अगर उसको क्या पे करना है, गवर्नमेंट ड्यूज पे करने हैं। तीसरा, फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ वाइंड अप, कॉस्ट ऑफ वाइंड अप मीट करने के लिए अगर ये किया जा रहा है तो ये किया जा सकता है। चेक सेक्शन 178, राइट। लिक्विडेटर ऑफ एनी कंपनी मस्ट गिव अ नोटिस ऑफ हिज अपॉइंटमेंट विद इन 30 डेज टू एओ हु इज एंटाइटल्ड टू द असेसी द इनकम ऑफ द एओ शैल आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी नोटिफाई टू लिक्विडेटर विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही रिसीव्स द नोटिस अमाउंट व्हिच वुड बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड द टैक्स पेबल बाय द कंपनी। तो लिक्विडेटर को कितने दिन में कम्युनिकेट किया जाएगा, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही रिसीव्स द नोटिस। द लिक्विडेटर शैल नॉट पार्ट विद द असेट और प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी अंटिल ही सेट असाइड एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट नोटिफाइड बाय एओ। इफ लिक्विडेटर फेल टू गिव द नोटिस और सेट असाइड द टैक्स लाइबिलिटी ही शैल बी पर्सनली लाइबल फॉर टैक्स व्हिच द कंपनी इज लाइबल टू पे। हाउएवर इन दिस केस लिक्विडेटर कैन सेल इन फॉलोइंग केसेस, टैक्स पेमेंट ड्यू है, पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज है, और फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो ये है सेक्शन 178। रीसेंट लास्ट एक या दो अटेम्प्ट पहले ही इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है, इसी क्वेश्चन को पूछा गया है और एक ही टाइम अब तक के इस क्वेश्चन पे आया है। साथ साथ में डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी क्या है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, देयर इज अ सेक्शन, सेक्शन 179। यस, देयर इज अ सेक्शन, सेक्शन 179। अभी जो सेक्शन है, सेक्शन 179, कंपनी लिक्विडेशन में हो या कंपनी लिक्विडेशन में ना हो, इन बोथ द केसेस ये सेक्शन एप्लीकेबल है। तो सेक्शन 179 जो है ये एप्लीकेबल है, चाहे कंपनी लिक्विडेशन में हो चाहे कंपनी लिक्विडेशन में ना हो। अब क्या कहता है, मान लीजिए अगर कोई टैक्स या अदर सम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड फीस ड्यू है किसी भी प्राइवेट कंपनी के केस में, तो एवरी पर्सन हु वॉज डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी शैल बी ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल। बस इतना सही ये सेक्शन है। सेक्शन 179 बोलता है प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के अगर कोई टैक्सेस ड्यू है तो जो भी उसके डायरेक्टर रहे हैं वो ज्वाइंटली एंड पर्सनली लाइबल रहेंगे। अब ये प्रोविजन तो बाई डिफॉल्ट में एप्लीकेबल होना चाहिए, चाहे आप लिक्विडेशन में हो या लिक्विडेशन में ना हो। तो वेयर एनी टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड फीस फ्रॉम प्राइवेट कंपनी कैनॉट बी रिकवर्ड, देन एवरी पर्सन हु वॉज अ डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ सच टैक्स अनलेस ही प्रूव्स दैट नॉन रिकवरी कैनॉट बी एट्रीब्यूटेबल टू हिज ग्रॉस निग्लिजेंस। यस, दिस सेक्शन इज अप्लाई वेदर द कंपनी इज इन लिक्विडेशन और नॉट। This section is apply whether this company is in liquidation or not. तो ये था section 178, ये था section 179. अब आते हैं next point के ऊपर। कंपनी जब लिक्विडेशन में असेट ट्रांसफर करेंगी तो क्या इस पे कोई कैपिटल गेन आएगा, क्योंकि कंपनी में लिक्विडेशन में है, मतलब उसके पास पैसा तो है नहीं रिटर्न करने के लिए। मतलब जाहिर सी बात है शेयर होल्डर को क्या जा सकते हैं, सिर्फ एसेट्स ऑफ द कंपनी जा सकते हैं। अब यह चीज हम लोगों ने कैपिटल गेन के अंदर में भी पढ़ के आई है, इफ द कंपनी ट्रांसफर कैपिटल एसेट टू द शेयर होल्डर इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लाइबल टू कैपिटल गेन। Yes, so where the asset of the company is distributed on liquidation, such distribution shall not be treated as transfer. Hence, capital gain shall not arise in the hands of company. तो आप यहां से बना सकते हैं, अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन के अंदर में है, ये क्या कर रही है सर, एसेट्स ट्रांसफर कर रही है। किसको ट्रांसफर कर रही है सर, शेयर होल्डर को। तो लिक्विडेशन जो कंपनी में है, जो कंपनी लिक्विडेशन में है, इसके हाथ में कोई कैपिटल गेन टैक्स आता नहीं। अब आते हैं शेयर होल्डर के ऊपर, क्या शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है? यस सर, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है।
यस सर, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। सर क्या क्या टैक्सेबल है? सबसे पहले 222 सी के तहत इसे क्या माना जाएगा? डीम डिविडेंड माना जाता है। सबसे पहले 222 सी के तहत इसे क्या माना जाता है? डीम डिविडेंड माना जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब कंपनी के जितने भी क्या है बेटा यू नो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वहां तक की अमाउंट का क्या माना जाता है आपका डीम डिविडेंड। एंड बचे हुए अमाउंट 46(2) के तहत फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकलता है बींग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट माइनस जितना डीम डिविडेंड कंसिडर हुआ है अंडर सेक्शन 222 सी के अंदर में, राइट इस चीज के ऊपर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी लिया था, मैं जा करके आपको बताता हूं। कैपिटल गेन में थे हम लोग, कैपिटल गेन में थे हम लोग, और कैपिटल गेन के अंदर में देखो इंटरलिंकिंग से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है मालिक। कैपिटल गेन के अंदर में ये देखिए विथ एग्जाम्पल हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा है कंपनी इन लिक्विडेशन का, यहां पे उस चीज का एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल देख लेना। यहां पे इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने ऑलरेडी लिया है तो आप एग्जाम्पल यहां पे देख लेना। ये देखिए सबसे पहले 222 सी डीम डिविडेंड अमाउंट रिसीव्ड और एसेट रिसीव्ड ऑन लिक्विडेशन देन अमाउंट शैल बी टैक्सेबल एज डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड और नॉट। फिर 46(2) के तहत क्या आएगा बेटा? कैपिटल गेन भी आएगा, वॉट एवर इज द मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट रिसीव्ड माइनस जितना अमाउंट आपने क्या कर दिया डीम डिविडेंड में टैक्स कर दिया, ये आपके लिए बनेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फिर उसमें से कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ माइनस करें, आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन। जब कैपिटल गेन कंप्यूट करते रहेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां तक के काउंट करेंगे? डेट ऑफ लिक्विडेशन तक के। जब कैपिटल गेन कंप्यूट करते रहेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां तक काउंट करेंगे? लिक्विडेशन तक के काउंट किया जाएगा। इज दैट डन? दैट्स इट। तो मालिक यहां पे आपका एक और टॉपिक क्या होता है ओवर होता है, टैक्सेशन ऑफ लिक्विडेशन। यस एक बार चेक कर लीजिए बेटा, ये That's it. तो यहाँ पे हमारा एक और टॉपिक ओवर होता है। वीडियो को आप सर बहुत 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 सारा प्यार कीजिए, आप इस पूरे अभियान को पूरे देश तक के पहुंचाएंगे इस बात की मुझे पूरी गारंटी है। और यस बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। यस सर, अब अगर आप देखेंगे हमारा कैपिटल गेन खत्म हो गया, बायबैक खत्म हो गया, लिक्विडेशन खत्म हो गया, और इसके बाद हमने क्या चालू करना चाहिए? वी ऑल नो हेड्स के अंदर में हम लोगों को क्या दिया हुआ है सर? कैपिटल गेन, पीजीबीपी एंड आईएफओएस दिया हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट विद द अनदर हेड आईएफओएस। और आईएफओएस आपको क्या करेगा सर? यू नो कैपिटल गेन के साथ एक एज देगा, किस पर्पस के लिए? आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, राइट? सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर कैरिंग ऑन इज आईएफओएस। आ जाओ बेटा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यस आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब अगर मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की बात करूं तो इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है ये बहुत हो गया तो 0 से 4 मार्क्स के लिए रहेगा, बहुत हो गया तो 0 से 4 मार्क्स के लिए इसके ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन रहेगा। और अगर मैं यू नो टोटल इनकम के साथ बोलूं तो ये क्वेश्चन हमेशा टोटल इनकम के साथ आएगा। या तो इसको कैपिटल गेन के साथ मिक्स करके देंगे या तो इसे पीजीबीपी के साथ मिक्स करके देंगे। इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर में 3 कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है जिसको डिटेल्ड में पढ़ना बहुत जरूरी। पहला कंसेप्ट जो आपका यू नो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो है एडवांस मनी फॉरफिटेड, ये आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा है आपका टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स, ये आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और तीसरा जो है वो है आपका डिविडेंड एंड डीम डिविडेंड, ये कंसेप्ट आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसका डिटेल स्टडी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस सुनो, अमेंडमेंट की अगर बात करूं तो इस टॉपिक के अंदर में सिर्फ एक्सेप्शन टू गिफ्ट के अंदर में क्या आया है? अमेंडमेंट आया है, मतलब गिफ्ट की जो प्रोविजन है उसमें कोविड से रिलेटेड अमेंडमेंट आया है, बाकी कहीं पे भी कोई अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेगा नहीं। यस सुनो, सो लेट अस स्टार्ट विथ आईएफओएस। IFOS टेक्निकली अगर आप फाइनल पे देखेंगे बहुत सारे रेफरेंस बुक IFOS का चैप्टर नहीं देते, बहुत सारे रेफरेंस बुक इसमें से सिर्फ 2 कंसेप्ट कवर कर लेते हैं, दैट इज टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स एंड टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स।
यस, बट हम पूरा IFOS कवर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स एंड टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स। सो अगर आप लोग सिर्फ टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स या टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो डेली फास्टैग देख रहा है, मैं कहूंगा अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होता है तो प्लीज आप उसके अंदर में क्या कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प लगा दीजिए, ताकि आपके बाद कोई बच्चा देखेगा या आपका कोई दोस्त देखेगा तो उसको कॉन्सेप्ट क्लियरली मिल जाए। यस, IFOS के अंदर में कितने मार्क्स को पूछा जा सकता है, देखिए। यस मालिक, तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको पता है शुरुआत हम एक छोटे से मोटिवेशन के साथ करते हैं, दैट इज द बेस्ट फाइटर इज नेवर एंग्री। एक बेस्ट फाइटर कभी भी एंग्री नहीं होता। आप लोग सिंस फाइनल के अंदर में है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत छोटी छोटी चीजों से चिढ़ जाते हो, कभी सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा, कभी ड्यू डेट है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजों से चिढ़ जाते हो। कई बार तो हम हमारे पेरेंट्स से भी चिढ़ जाते हैं सर, कई बार तो हम हमारे पेरेंट्स से भी चिढ़ जाते हैं कि वो हमारी सिचुएशन को क्यों नहीं समझ रहे। यस, वो हमारी सिचुएशन को क्यों नहीं समझ रहे। सुरेश भाई सिर्फ पानी दे, ठीक है। सो वो हमारी सिचुएशन को क्यों नहीं समझ रहे। एक बात याद रखिए, कभी भी कोई जो बेस्ट फाइटर होता है या आप सक्सेसफुल पर्सन को कभी भी देखेंगे ना, ये हमेशा काम रहता है। यस, व्हेन एवर यू सी सक्सेसफुल पर्सन, ये हमेशा काम रहता है, ये चुप्पी में काम करता है, शांतता से काम करता है। गेटिंग इट और नॉट, ये हमेशा बिलीव करता है कि शांति के साथ किया गया काम कभी भी बेटर है। राइट, आप खुद सोच के देखिए, जब आप चिड़चिड़े होते हो तब आपके पास सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन जब आप शांत होते हो तब आपके पास सोल्यूशन होता है। तो ठीक उसी तरीके से पेपर अगर बहुत ज्यादा हार्ड आ जाए तो भी अपने आप को 5 मिनट काम करने की कोशिश करें, और पेपर बहुत ज्यादा ईजी आ जाए तो भी अपने आप को काम करने की कोशिश करें, क्योंकि एक शांत मन बहुत अच्छे सॉल्यूशन ला सकता है। लेट्स स्टार्ट विद IFOS। देख, IFOS के अंदर में मेजरली तीन सेक्शन है, 56, 57, 58, मेजर तीन सेक्शन है IFOS के अंदर में। यस, 56 की अगर मैं बात करूं, सेक्शन 56 की अगर मैं बात करूं, तो सेक्शन 56-1, 56-2 ऐसे दो पार्ट में डिवाइडेड है। 56-1 कहता है द इनकम विच इज नॉट एग्जम्प्ट एंड नॉट टैक्सेबल इन एनी अदर हेड विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ IFOS। तो ऐसी इनकम जो किसी और हेड में स्पेसिफिकली टैक्सेबल नहीं है विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ IFOS। यस, सो इनकम ऑफ एवरी काइंड विच इज नॉट एग्जम्प्ट एंड नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन एनी अदर हेड विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस। 56-2 कहता है कुछ इनकम सिर्फ IFOS में ही टैक्सेबल होगी। 56-2 कहता है कि कुछ इनकम सिर्फ IFOS में ही टैक्सेबल होगी। तो आइए समझते हैं ऐसी कौन कौन सी इनकम है। यस, मैं यहां पे कुछ इनकम जो रहेगी हर बार की तरह अपना अपना पैटर्न बिल्कुल सेम है, जो इंपॉर्टेंट है वो रजिस्टर में आएगा, ये लास्ट डे नोट्स बन जाएंगे। राइट, जो नॉट इंपॉर्टेंट है उसको यही डिस्कस करके खत्म कर देंगे, पैटर्न अपना वही चलता रहेगा। तो 56-2 कुछ इनकम यहां टैक्सेबल है। चलिए इसमें से कुछ चीज हम कैपिटल गेन में पढ़ चुके हैं वो पहले पढ़ लेते हैं। पहला, एडवांस मनी फोरफिटेड, याद आ रहा है मालिक आपको, एडवांस मनी फोरफिटेड याद करिए, इफ एनी एडवांस मनी इज फोरफिटेड आफ्टर 2014 वो कहां टैक्सेबल है, IFOS, याद आ रहा है आपको। सो नीचे ही देख लीजिए, फोरफिटेड अमाउंट इज ऑन और आफ्टर 2014 इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ IFOS। क्लियर है सर। नेक्स्ट नेक्स्ट सर, डायरेक्टर सिटिंग फीस, डायरेक्टर को मीटिंग अटेंड करने के लिए एक फीस मिलता है जिसको हम डायरेक्टर सिटिंग फीस कहते हैं। आई एम श्योर आपने कॉर्पोरेट लॉ में ये जरूर पढ़ा होगा। राइट, 1,00,000 रुपए तक का लिमिट होता है इसके ऊपर। सो कॉर्पोरेट में डायरेक्टर सिटिंग फीस जो आप रिसीव कर रहे हैं, दैट्स टोटली, बोलो ना बेटा, टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ IFOS, टोटली टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ IFOS। यस मालिक। नेक्स्ट, आपने ये चीज कहां पढ़ी है, HP में, कंपोजिट रेंट। मान लीजिए आपने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी है, रेंट के ऊपर दी है, और इस रेंट में सिर्फ प्रॉपर्टी का रेंट नहीं, फर्नीचर एंड अदर फैसिलिटी का भी रेंट है, एंड यू कैनॉट सेपरेट इट कि फर्नीचर का कितना और प्रॉपर्टी का कितना। तो ऐसे केस में पूरा का पूरा रेंट कहां टैक्सेबल हो जाता है, IFOS। समझ में आ रही बात। रेंट फ्रॉम अ वेकेंट प्लॉट, अगर इनकम HP में डालनी है, अगर इनकम HP में टैक्स करनी है, देर मस्ट बी लैंड बिल्डिंग अपर्टेनेंट देयर टू, मतलब लैंड मस्ट बी कनेक्टेड विद अ बिल्डिंग। सो खाली प्लॉट का अगर रेंट आ रहा है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ IFOS। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस, सबलेटिंग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को किराए पे दी और बी ने अपनी प्रॉपर्टी सी को किराए पे दी, बराबर है। सिंस ए इज द ओनर, इनका इनकम कहां जाएगा, HP। सिंस ए इज द ओनर, इनका इनकम कहां जाएगा, HP। Since B is not the owner, since B owner नहीं है, इसका इनकम कहां जाएगा, IFOS। So HP में इनकम टैक्स करने का वन ऑफ द कंडीशन, HP में इनकम को टैक्स करने का वन ऑफ द कंडीशन क्या था, HP में इनकम को टैक्स करने का वन ऑफ द कंडीशन था कि असेसी कौन होना चाहिए, ओनर। सो अगर वो ओनर नहीं है तो इनकम कहां टैक्सेबल हो जाएगी, बोलो जल्दी से, IFOS।
यस और नो? अच्छा जी, ऑनलाइन जितने लोग हैं, ऑनलाइन जितने लोग हैं सबको कनेक्शन दिख रहा है। आज शायद थोड़ा सा इंटरनेट इशू, लैग इशू आ रहा है, तो एक बार से मुझे बता दीजिए क्या सब कनेक्टेड है। अगर है तो आप एक बार या तो कमेंट कर दीजिए या तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, तो दोनों केस में समझ आ जाएगा। नेक्स्ट सोचिए, ये भी कैपिटल गेन में हम लोगों ने पढ़ा है, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन एनहांस कंपनसेशन। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन एनहांस कंपनसेशन कहां टैक्सेबल होता है? IFOS, एंड 50% इज अलाउड एज डिडक्शन। यस, 50% इज अलाउड एज डिडक्शन, तो ये भी चीज हम लोगों ने पढ़ी हुई है। और सेम चीज का क्रॉस पॉइंट हमें सेक्शन 57 में भी मिलता है, सेक्शन 57 का 6th पॉइंट, पेज नंबर 7, DT चार्ट्स में भी सेम चीज आपको दिख जाएगी, देख लेना बेटा। 50% ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन एंड एनहांस कंपनसेशन, 50% ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और एनहांस कंपनसेशन कहां टैक्सेबल है बेटा? IFOS। यस प्रभु। चलिए नेक्स्ट आता है 8th पॉइंट, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम फॉरेन। देखिए एग्रीकल्चर इनकम तभी एग्जम्प्ट होती है व्हेन द लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया। एग्रीकल्चर इनकम तभी एग्जम्प्ट होती है व्हेन द लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया। यही अगर एग्रीकल्चर लैंड फॉरेन में सिचुएट हुई, द अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया अंडर द हेड ऑफ IFOS। यस मालिक। नेक्स्ट, इनकम ऑफ MP MLA, MP MLA को जो इनकम आ रही है ये IFOS में टैक्सेबल होगी, सैलरी में नहीं। क्या आपको बताया, MP MLA को हर मंथ एक अमाउंट आती है फॉर देयर सर्विसेज, पर ये सैलरी में टैक्सेबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, दे आर नॉट एम्प्लॉय। दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, दे आर नॉट एम्प्लॉय, एंड दैट्स व्हाई इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ IFOS। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट एन इनकम। चलिए इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। इनकम टैक्स अगर रिफंड आएगा तो ये PNL के क्रेडिट में होगा, बोलो हाँ। इनकम टैक्स का रिफंड आएगा ये PNL के क्रेडिट में होगा, पर क्या ये PGBP में टैक्सेबल है? आंसर इज नो। पूछो क्यों? जब इनकम टैक्स आप पे करते हो, सेक्शन 40 कहता है इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। सेक्शन 40A कहता है दैट इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन सिंस इट्स अ पर्सनल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही बात? अब यही इनकम टैक्स रिफंड आपकी इनकम नहीं बनता, लेकिन इनकम टैक्स का रिफंड लेट आने पे इंटरेस्ट लगता है, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव होता है गवर्नमेंट के थ्रू। सो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज एन इनकम, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज एन इनकम। सो इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट एन इनकम, बट इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज एन इनकम। ये काम की चीज है जो पूछी जाती है, तो जो चीज को स्टार मार्क करना है उसको स्टार मार्क करो, ये काम की चीज है, या हाईलाइट कर लो। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज एन इनकम। डन। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन और सिक्योरिटीज। मान लीजिए आपने कोई सिक्योरिटी परचेज की, लाइक बॉन्ड, डिबेंचर, इसके ऊपर जो आपको क्या आता है बेटा, इसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है ये इंटरेस्ट टैक्सेबल है। आपने लोन एडवांस दिया, इसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट आ रहा है ये इंटरेस्ट क्या है बेटा? टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ IFOS। नेक्स्ट, एनी सम रिसीव्ड अंडर द कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी। एनी सम रिसीव्ड अंडर द कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमेन मतलब बिजनेस में जनरली पूछा जाता नहीं, इसीलिए इसके ऊपर डिस्कशन, आप समझ सकते हैं हम जहां इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं लंबे में। यस। नेक्स्ट, एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया तो इनकम IFOS में। एक मिनट, इस पर डिस्कशन करते हैं जरा। अगर टर्मिनेशन से कोई अमाउंट मिलती है ये तो सैलरी में टैक्सेबल होनी चाहिए, तो फिर ये IFOS में क्यों? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अगर फिनिश हो गया आप ऐसा कह रहे हैं, तब तो पेंशन भी टैक्सेबल नहीं होना चाहिए सैलरी में, फिर तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी टैक्सेबल नहीं होने चाहिए। अच्छा अंडरस्टैंड, ये क्या है, मान लीजिए आई वॉज वर्किंग इन एक्स अकेडमी, देन आई शिफ्टेड माई अकेडमी। सपोज कर लीजिए आई वॉज वर्किंग इन एक्स अकेडमी और मैंने अपना अकेडमी क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया, बराबर है? या करने का एक ऑफर आया, मैंने इस ऑफर को, बहुत ल्यूक्रेटिव था,
मैंने इस ऑफर को क्या किया, एक्सेप्ट करने के लिए हाँ बोल दिया, और दूसरी जो एक्स अकेडमी थी इसके अंदर में मैंने क्या कर दिया, रेजिग्नेशन डाल दिया। अब अगर मुझे एक्स अकेडमी से कोई अमाउंट मिलती, ये सैलरी में टैक्सेबल होती, बिकॉज देयर वॉज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशनशिप। अब मैं जिस अकेडमी में जा रहा था, वो अकेडमी मुझे कहती है कि सर सॉरी, फॉर सम रीजंस वी कुड नॉट यू नो एम्प्लॉय यू, मे बी बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं क्या बोलूंगा, जरा समझिए सर, आपके चक्कर में मैंने उधर भी छोड़ दिया, मैं इधर भी छोड़ दूं, आई नीड कॉम्पनसेशन। अब जो नई अकेडमी है जो मेरे को क्या कर रही है, कॉम्पनसेशन दे रही है, देर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, दैट इज टैक्सेबल इन IFOS। समझ में आई बात? सो जो एक्स अकेडमी है ये अगर मेरे को पेमेंट करती तो ये सैलरी में जाता, जो न्यू अकेडमी है ये अगर मेरे को पेमेंट कर रही है, दैट इज नॉट टैक्सेबल इन सैलरी, बिकॉज देर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। यस, वो कहां जाएगा, IFOS। क्लियर है मालिक? आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेस। हम लोगों ने सर्च एंड सीजर पढ़ लिया है, अगर आप वो व्यक्ति है जिसने अब तक वो वाले वीडियो नहीं देखे तो पहली फुर्सत में जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करो, ठीक है। अब अगर आपने देखा होगा सर्च एंड सीजर में हमें क्या मिलता है, मनी बुलियन ज्वेलरी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग मिलता है। सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं अंडर सेक्शन 147, याद है ना, तुम भूले तो नहीं हो, 147 में असेसमेंट करते हैं, और असेसमेंट करके उसको बोलने का भरपूर चांस देते कि भैया तू बोल, अगर वो नहीं बोल पाया किसी हेड में तो टैक्स करना है, ए उठा के IFOS में डाल देता, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेस। याद रखे सेक्शन 69 वो लगाएगा ही लगाएगा, सेक्शन 69 पावर देता है टू टैक्स दैट इनकम, टैक्स कौन से हेड में होगी, IFOS, इफ ही डू नॉट एक्सप्लेन द सोर्स। सोर्स एक्सप्लेन कर दिया तो सोर्स के अकॉर्डिंगली PGBP या तो फिर जो हेड होगा उसमें डाला जाएगा। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, अगर लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर इज नॉट द रेगुलर बिजनेस, लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर इज नॉट द रेगुलर बिजनेस, तो भी आपके लिए ये इनकम IFOS में टैक्सेबल होगी। अगर ये आपकी रेगुलर एक्टिविटी रहेगी तो ये कहां टैक्सेबल हो जाएगा, PGBP। यहां तक के सबने कर लिया मालिक, हमने सारे जनरल पॉइंट्स खत्म कर दिए। अब स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। पहला कैजुअल इनकम जो पूछा जाता है, 56(2) की लिस्ट में कुछ ही आइटम है जो IFOS में अच्छे से पूछे जाते हैं या टोटल इनकम के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, आराम से, राइट। लेट्स स्टार्ट कैजुअल इनकम। आ जाओ बेटा पेज नंबर 3 पे आइए, पेज नंबर 3 पे आइए, कैजुअल इनकम का डिस्कशन करते हैं, बराबर है। रजिस्टर में जाइए, गिव द हेडिंग कैजुअल इनकम, IFOS हेडिंग दे दो, फर्स्ट पॉइंट कैजुअल इनकम, लेट्स हैव अ गुड डिस्कशन। कैजुअल इनकम, मैं अब यहां पे आपको IFOS से लेकर के TDS में घुमा के फिर यहीं लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो आपको तो पता है मेरा TDS से प्यार अनोखा है। चलो जी, सपोज ये एक लॉटरी की कंपनी है, ये क्या करती है, किसी भी व्यक्ति को विनिंग प्रोवाइड कर रही है। क्या दे रही है बेटा, विनिंग, इसको हम कहते हैं विनर। ये क्या प्रोवाइड करती है, विनिंग। सबसे पहले कैजुअल इनकम मतलब समझते हैं। कैजुअल इनकम मतलब जो आपकी रेगुलर एक्टिविटी से नहीं आया, कैजुअल एक्टिविटी से आया, जैसे लॉटरी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, विनिंग फ्रॉम एनी गेम शो, क्रॉसवर्ड पजल्स, राइट। सो कौन बनेगा करोड़पति, रोडी, स्प्लिट्सविला, बिग बॉस, ड्रीम इलेवन, यस, आपने ऐसे किसी भी तरीके के गेम शो में अगर कोई भी पैसा जीता, राइट, तो वो यहां पे कवर किया जाएगा, वो यहां पे कवर किया जाएगा। चलिए कुछ कुछ बात करते हैं। विनर के हाथ में क्या ये टैक्सेबल है, आंसर इज यस, ये टैक्सेबल है इन IFOS, तो ये टैक्सेबल हो जाता है विनर के हाथ में IFOS में। सेक्शन 115BB कहता है कि इस पे टैक्स रेट कितना परसेंट है बेटा, 30%। तो सेक्शन 115BB कहता है कि इसके ऊपर टैक्स रेट 30% है। भूल ना जाना, हमने बेसिक चैप्टर में ऑलरेडी इस पे प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। समझ में आ रही बात? अच्छा जी, तीसरी चीज मैं बताने जा रहा हूं, जो विनर है इसने विनिंग टैक्सेबल है। ध्यान से सुनिए, पूरे इनकम टैक्स में यह अकेली ऐसी जगह है जहां इनकम नहीं विनिंग टैक्सेबल है। क्या फर्क है सर दोनों में? अरे सर बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। सर क्या फर्क है?
सर फर्क ये है, मान लीजिए ये अपनी मुग्धा ने क्या किया, 10 रुपए की लॉटरी का टिकट खरीदा रेगुलर रेस के लिए, ठीक है। तो ये मुग्धा ने क्या किया, 10 रुपए का लॉटरी का टिकट खरीदा और इस पे 100 रुपए की विनिंग आई। नाउ माय फ्रेंड्स, विनिंग इज 90, 10 इज द कॉस्ट, विनिंग इज 90 बट टैक्सेबल इज होल 100। तो पूरे इनकम टैक्स में ये अकेली ऐसी जगह है जहां पे विनिंग टैक्सेबल है, इनकम नहीं। समझ में आ रही बात? सो पूरे के पूरे 100 रुपीज टैक्सेबल हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं नो एक्सपेंडिचर इज अलाउड फ्रॉम दिस इनकम, ये कहूं तो ठीक रहेगा। सो सेक्शन 58 कहता है नो डिडक्शन अलाउड ऑफ एनी एक्सपेंसेस, नो डिडक्शन अलाउड ऑफ एनी एक्सपेंसेस। जी सर, सर व्हाट अबाउट चैप्टर 6 से डिडक्शन, व्हाट अबाउट सर चैप्टर 6 से डिडक्शन, क्या चैप्टर 6 से के डिडक्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या लगता है तुमको, चैप्टर 6 से के डिडक्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बोलो जल्दी से, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नॉट अवेलेबल। शॉक लगा, नॉट अवेलेबल। ध्यान से सुनिए, अब तक कौन सी ऐसी इनकम है जिसपे चैप्टर 6 से के डिडक्शन नहीं मिलते, होल कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में से चैप्टर 6 से के डिडक्शन नहीं मिलते। दूसरा कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम में से चैप्टर 6 से के डिडक्शन नहीं मिलते। समझ में आई बात? इस लिस्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, यहां तक ये क्लियर है? चलो ध्यान से सुनिए, कोई लॉटरी वाली कंपनी थी, कोई बुकी था हॉर्स रेसेस का, इन सब ने क्या किया, विनिंग दिया। यस, अच्छा जी सर, आपने क्या किया बेटा, विनिंग दिया, विनिंग दिया सामने वाले के हाथ में टैक्सेबल, जितना इनकम आया 30% से इसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसमें से इनकम में से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ना ही चैप्टर 6A में से कोई डिडक्शन मिलेगा। यस, अब जरा सोच के देखते हैं, लॉटरी कंपनी की जिम्मेदारी क्या है, लॉटरी कंपनी की जिम्मेदारी है कि भैया टीडीएस करना है, टीडीएस अंडर सेक्शन 194B एंड 194BB, टीडीएस अंडर सेक्शन 194B, टीडीएस अंडर सेक्शन 194BB, यहां पे इनको टीडीएस करना है। ये आता है हॉर्स रेसेस के लिए, ये आता है अदर कैजुअल इनकम के लिए, दोनों भी सेक्शन एक ही बात करते हैं, इफ विनिंग एक्सीड 10,000 टीडीएस इज एट द रेट ऑफ 30%। यानी आप देखिए, रिसीवर के हाथ में 30% से टैक्सेबल है, गवर्नमेंट पहले ही 30% रिकवर कर लेती है। समझ में आया? दैट्स अ टीडीएस कोरिलेशन, दोनों सेक्शन एक ही बात कर रहे हैं, दोनों सेक्शन एक ही बात कर रहे हैं। अगर विनिंग 10,000 रुपीज के ऊपर चल जाए, अगर विनिंग 10,000 रुपीज के ऊपर चल जाए तो टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 10%। यस, विनिंग अगर 10,000 के ऊपर चल जाए तो टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 10%, 30%, सॉरी, 10,000 से ऊपर चल जाए 30%। डन है मालिक? अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर मान लीजिए 1 लाख रुपीज वॉन हुए, बराबर है, ये जो अपना भाई है, भाई तेरा नाम क्या है, वेदांत, वेदांत को 1 लाख रुपए विनिंग मिली, टेक्निकली ही विल बी रिसीविंग 70,000 ओनली आफ्टर टीडीएस, ही विल बी रिसीविंग 70,000 ओनली। नाउ यू टेल मी मेरे दोस्त, विल ही टैक्स 70,000 इन IFOS और विल ही टैक्स 1 लाख इन IFOS? यस, ही विल टैक्स द ग्रॉस अमाउंट एंड विल टेक टीडीएस क्रेडिट फ्रॉम टैक्स लाइबिलिटी 26 ईयर्स। वो क्या करेगा रिटर्न भरते वक्त, वो पूरा 1 लाख रुपए का इनकम दिखाएगा अपने IFOS में, पूरी टैक्स लाइबिलिटी निकालेगा और टैक्स लाइबिलिटी में से 26 ईयर्स का क्या लेके आएगा, क्रेडिट लेके आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। अच्छा, जितने बच्चे ऑनलाइन है मेरे भाई, प्लीज कमेंट करते रहो, तुम अगर कमेंट करते रहोगे ना तो मेरे को लगेगा कनेक्शन आज सही चल रहा है, और ये सिर्फ आज के लिए बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि आज सुबह से कनेक्शन आगे पीछे चल रहा है। अच्छा जी सर, सो क्या मैं कह सकता हूं ग्रॉस अमाउंट इज टैक्सेबल, ग्रॉस अमाउंट इज टैक्सेबल, बराबर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सपोज प्रॉब्लम में दिया ही यही है कि वेदांत रिसीव्ड 70,000 नेट ऑफ टीडीएस, वेदांत रिसीव्ड 70,000
नेट ऑफ टीडीएस। नाउ यू टेल मी माय फ्रेंड्स, हम इसे ग्रॉस कैसे करेंगे? क्या मैं कह सकता हूं अगर प्रॉब्लम में नेट अमाउंट दी है तो अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय 100 माइनस टीडीएस रेट, दैट इज अगर 70,000 मिले होंगे तो 70% दिस विल बिकेम 1 लाख। अग्री? यस सर, मेरा एक भाई है ऑनलाइन जो कह रहा है सर इसमें से रिबेट मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल मिल जाएगा रिबेट, सिर्फ एक इनकम से नहीं मिलता, 112A, बाकी हर इनकम से रिबेट अलाउड है इंक्लूडिंग दीज इनकम। ठीक है मालिक। अच्छा जी, एक मिनट, अब जब इतनी दूर आए हो तो मेरे साथ टीडीएस पे भी चल लो ताकि उतना टीडीएस वहां कम पड़ना पड़े। एवरीबडी पेज नंबर 25.4 ऑफ नोट्स, पेज नंबर 25.4 ऑफ नोट्स, पहुंच गए? देखिए दो सेक्शन दिख रहे हैं, 194B 194BB, दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। अगर कोई भी पर्सन रेसिडेंट ऑब्लिक नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है तो दिस सेक्शन ऑफ टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑल्सो इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। समझ में आ रही बात? तो ध्यान से सुनिएगा, जब आप एनआर टैक्सेशन पढ़ते रहोगे दीज टू टीडीएस सेक्शन आर कॉमन। जब आप एनआर टैक्सेशन पढ़ते रहोगे दीज टू टीडीएस सेक्शन आर कॉमन। सो एनी पर्सन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को पे कर रहा है अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज, 30% इज द टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट। यस और नो? सी लॉजिकली, सी लॉजिकली अगर आप मेरे से बात करोगे ना, 194BB का कोई सेपरेट जरूरत था ही नहीं अगर ऊपर वाले सेक्शन में ही लेके आ जाते तो। बट गॉड ओनली नोज उनको क्या मजा आया एक और बी आपका बढ़ाने में बर्डन। गॉड ओनली उनको क्या मजा आया एक और भी बढ़ाना है। अरे कोई सेंस है क्या इसका? सेक उसी में अमेंडमेंट कर देते, काम खत्म करते, एक सेक्शन तो एक्सटिंग्विश करते, पूरा हिंदुस्तान का प्रोफेशनल बच्चा दुआ देता। समझ में आ रही बात? चलो जी, आपके मन में एक सवाल आएगा, ये सवाल है सर इतने टीडीएस की लिमिट्स और सेक्शन को याद कैसे रखे? सवाल आएगा नहीं आएगा बोलो ना। आएगा ना? हाँ टेंशन मत ले भाई, तेरे भाई ने ये कर रखा है, तेरे भाई ने डीटी के चार्ट्स में भी ये चीज कर रखी है, तेरे भाई ने यहाँ पे भी कर रखा है, तो बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं। ये जो एक्टिविटी तुम करने वाले थे ये एक्टिविटी मैंने कर रखी है, बराबर है? और कुछ नहीं तो डीटी का चार्ट ओपन करके देखो, बाकायदा पूरा का पूरा लिस्ट आपको दे के रख रखा है। तो इतनी मेहनत तुमको नहीं करनी है, मास्टर ने तुम्हारे ऑलरेडी कर दी। बैक टू IFOS, एवरीवन बैक टू IFOS। इज दिस डन मालिक? चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो भी बंदा लॉटरी दे रहा है उसकी जिम्मेदारी है 194BB के अंदर में टीडीएस डिडक्ट करने की। जो जीत रहा है right, उसके हाथ में टैक्सेबिलिटी इस तरीके से दी हुई है। डन मालिक? चलो आओ अब मेरे साथ यहां देख लो सारी चीजें। अच्छा एक मिनट, इस पे ना एक जजमेंट है वो भी डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि अगर आप पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन खोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। मान लीजिए मैं लॉटरी बेचता हूं, बराबर है जो भैया लॉटरी बेच रहे हैं, लॉटरी का 10 टिकट थे, 9 बिक गए, 1 बच गया, जो बच गया उस पे विनिंग आ गई, मतलब मुझे तो स्टॉक के अगेंस्ट में विनिंग आ गई। शुड आई कंसिडर दिस एज PGBP और शुड आई कंसिडर दिस एज IFOS? इस क्वेश्चन को ओल्ड सिलेबस, वैसे कल आपका ये भी ओल्ड ही हो जाएगा। सर अब श्योर है आने वाला है? अब कंफर्म हूं आएगा ही, या तो कल या तो परसों आपको दिख जाएगा, यानी आज रात तक ठीक है, कल या तो परसों आपको कंफर्म न्यू सिलेबस दिखेगा। सर आप इतने श्योर कैसे हो? इनसाइडर्स नहीं पूछते, जो कह रहा हूं वो सही है। अब तक के मैं खुद ही आपसे क्या कह रहा था, जब तक नहीं आया तब तक के बोलने का नहीं, अब मैं खुद आपसे कह रहा हूं कि आएगा। सर तो फिर डीटी में क्या बदल जाएगा? कुछ नहीं, और एडिशन है। सर डीटी में क्या बदलेगा? कुछ नहीं। सर मतलब अगर आप नवंबर 23, डिसंबर 23 भी दे रहे हैं एज द केस में भी, आप ये फास्ट ट्रैक बिल्कुल देख पाएंगे, बिल्कुल कॉमन है।
हमारे यहां सिर्फ इन है, आउट नहीं है। हम उस सब्जेक्ट में जहां पे सिर्फ इन है, आउट कुछ नहीं है धरती पे यहां पे। यस, तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि कन्फर्म है ये आने वाला है। सर फिर उसके मॉड्यूल और बाकी चीजें सब है। देखो मेरे सब्जेक्ट में कुछ नहीं है, बाकी की पंचायती में करता नहीं। मेरे सब्जेक्ट से पार पड़ जाओ यही बहुत है, दूसरे पंचायती वर्ड से होती नहीं। बराबर है, तो बाकी सब्जेक्ट का बाकी टीचर से पूछेगा। मेरे केस में मैं आपको बता दूं, यस मेरे केस में मैं आपको बता दूं, कल डिक्लेरेशन हो सकता है कि कल जो एनुअल इवेंट है उसमें डिक्लेरेशन हो सकता है, और कल या तो मैक्स परसों आपको ये दिख जाएगा। यस सर, तो फिर हमें कन्वर्जन का ऑप्शन मिलेगा क्या, फिर हमारे आर्टिकलशिप कम हो जाएगी क्या, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, हाल फिलहाल में YouTube भी अवॉइड करो, हाल फिलहाल में ये वाला पॉइंट भी अवॉइड करो। कल या परसों में मैक्स अगले 5 दिन में तुम्हारे सारे स्पेकुलेशन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बट ये मैं आपको श्योरिटी से अब कह सकता हूं कि आ रहा है। ये सुनो, चलो जी, हाँ आ जाइए सर। हाँ, तो जो विनिंग हुई स्टॉक के ऊपर, वो पीजीबीपी या आईएफओएस, जल्दी बताओ, पीजीबीपी या आईएफओएस? पीजीबीपी, इट हैज बीन हेल्ड इन मंजू एंड कंपनी। केस क्या है? मजनू ने, मंजू। सो इधर देखिएगा, लॉटरी होल्डर स्टॉक इन ट्रेड इज टैक्सेबल अंडर दैट ऑफ पीजीबीपी, 30%, नो डिडक्शन इज अलाउड, 80C टू 80U नॉट अलाउड, ग्रॉस अप करना है, तो ये फॉर्मूला है। यस yes? अच्छा, अब इसमें एक एडजस्टमेंट आता है, इंस्टीट्यूट बहुत क्लेवरली प्ले करता है यहाँ पे, वो ध्यान से सुनना। इंस्टीट्यूट बहुत क्लेवरली प्ले कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपको सिर्फ लॉटरी का अमाउंट लिख करके दे देता है, और कुछ क्वेश्चन में आपको लॉटरी के आगे नेट लिख देता है। जब तक आपको नेट ना लिखा हो, डोंट डू ग्रॉस अप, अज्यूम द अमाउंट इज ग्रॉस्ड अप। अगर आपको नेट दिया है तो ही ग्रॉस अप का फॉर्मूला लगाना। सो कम ऑन, वापस एक बार बोल दूं मैं, इंस्टीट्यूट यहां पे सेम एडजस्टमेंट में दो तरीके के एडजस्टमेंट देता है, एक में लिखता है नेट, एक में नेट लिखता ही नहीं। अगर नेट नहीं लिखा है, ऑलवेज अज्यूम ये ग्रॉस अमाउंट है, अगर नेट लिखा है तो ही उसे आप क्या करेंगे, ग्रॉस अप। समझ में आ रही बात, यस और नो? चलिए आइए बेटा, कैजुअल इनकम इज डन। कैजुअल इनकम समझ में आ गया पूरा का पूरा? साथ ही साथ में तुरंत नीचे आओ, सेक्शन 58, सेक्शन 58 पेज नंबर 7, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कैजुअल इनकम अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड की लिस्ट में। पेज नंबर 7, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कैजुअल इनकम अलाउड नहीं है, ये इसका क्रॉस रेफरेंस हुआ, ठीक है भी जी? फिर से पहुंचे पेज नंबर 2 पे, हम 56 की लिस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। हम क्या कंप्लीट कर रहे हैं? 56 की लिस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे 1 to 8 आइटम्स डन, 1 to 8 आइटम्स आर डन। लेट्स गो टू डिविडेंड। अब मैं जा रहा हूं टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स पे। यस, कई ऑथर्स इसे एक सेपरेट चैप्टर बना देते हैं रादर देन ट्रीटिंग इट इन आईएफओएस, द कॉन्सेप्ट इज कवर्ड इन आईएफओएस ओनली। यस, आ जाइए मेरे साथ रजिस्टर में, चलिए डिविडेंड्स की बात करते हैं, डिविडेंड्स की बात करते हैं। एक ऐसा बेहतरीन चार्ट बनाएंगे जिसमें सब कवर हो जाएगा। मान लीजिए ये कंपनी है, कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड्स दे रही है। किसको दे रही है जी? शेयर होल्डर्स को दे रही है। कंपनी क्या कर रही है? डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड किसको दे रही है? शेयर होल्डर को दे रही है। ये शेयर होल्डर रेसिडेंट है, ये शेयर होल्डर नॉन रेसिडेंट है। क्या पे कर रही है सर? डिविडेंड पे कर रही है। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, एक एक चीज समझते हैं। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी टीडीएस। मैं एक सवाल पूछूं, मैं ये जो आपको किसी भी सब्जेक्ट के साथ टीडीएस पढ़ा रहा हूं, आपको मिक्स तो नहीं हो जा रहा ना? पक्का ना? इज इट गोइंग गुड जो साथ साथ में टीडीएस भी चल रहा है? ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं जंबल ना हो जाए। सुनो, टीडीएस कब लगता है? टीडीएस लगता है अगर डिविडेंड का अमाउंट एक्सीड कर जाए 5000 से, तो टीडीएस आएगा एट द रेट ऑफ 10%। अगर आप ये रेसिडेंट को दे रहे हैं, द टीडीएस इज अंडर सेक्शन 194/194K। 194 इज फॉर शेयर्स एंड 194K इज ऑन यूनिट्स।
इन दोनों सेक्शन की जो लिस्ट है ये आपको दी हुई है 194 194K में। यही डिविडेंड नॉन रेसिडेंट को दे रहे हो तो टीडीएस इज अंडर सेक्शन 195। सो कंपनी की प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी डिविडेंड दिया जा रहा है रेसिडेंट्स को दे रहे हो डिविडेंड, ये 5,000 से ऊपर जा रहा है, देर इज टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%। नॉन रेसिडेंट्स के लिए 5,000 की लिमिट नहीं है, बिकॉज 195 डू नॉट प्रोवाइड एनी लिमिट्स। यस और नो? नॉन रेसिडेंट, हालांकि ये बात जरूर करता है कि ये पेमेंट अगर आप रेसिडेंट को देते, यही नॉन रेसिडेंट को दिया तो टीडीएस इनडायरेक्टली वो लिमिट 5,000 ही आएगी। ये सुनो, चलिए अब शेयर होल्डर के हाथ में समझते हैं। शेयर होल्डर के हाथ में क्या हुआ, फाइनेंस एक्ट 2020 से डिविडेंड क्या कर दिया गया, डिविडेंड इज टैक्स्ड एट नॉर्मल रेट। याद होगा तो जब हम टैक्स कैलकुलेशन कर रहे थे शेयर होल्डर के हाथ में, हम टैक्स रेट जो थे वो स्लैब रेट ही लगा रहे थे। यस, दूसरी चीज, नो एनहांस सरचार्ज, कुछ याद आएगा, एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम, नो एनहांस सरचार्ज। यस, सो डिविडेंड कैन बी इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, ट्रीटमेंट विल रिमेन सेम। डिविडेंड कैन बी ऑन इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स और यूनिट्स, डिविडेंड कैन बी ऑन इक्विटी शेयर ऑन प्रेफरेंस शेयर्स ऑन यूनिट्स। यस प्रभु, यस और नो? फिफ्थ पॉइंट, जब फाइनेंस एक्ट 2020 से डिविडेंड को टैक्स किया गया, भाई जब फाइनेंस एक्ट 2020 से डिविडेंड को टैक्स किया गया, सेक्शन 57 में अमेंडमेंट किया गया। क्या किया गया? सेक्शन 57 में अमेंडमेंट किया गया। सेक्शन 57 में अमेंडमेंट करके बोला डिडक्शंस फ्रॉम डिविडेंड इनकम, डिडक्शंस फ्रॉम डिविडेंड इनकम। कहा गया 20% ऑफ डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट पेड, विच एवर इज लोअर, 20% ऑफ डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट पेड विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिला। 20% ऑफ डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट इनकम विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिला। आपके मन में एक सवाल उठेगा, डिविडेंड से इंटरेस्ट का डिडक्शन कुछ समझ नहीं आया सर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला हो सकता है अगर कोई व्यक्ति है जिसने लोन लेकर के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो डिविडेंड इनकम के लिए कॉस्ट क्या लग गई, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, जहां 100% इंस्टीट्यूट बैंड बजाएगा, डिविडेंड रियलाइजेशन चार्जेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन। जब ध्यान से सुनिए, ये कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत प्रैक्टिकल है और इंस्टीट्यूट आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा, किसी बुक में नहीं लिखा है, नॉट इंक्लूडिंग मॉड्यूल, कहीं नहीं लिखा है। सुनिए, आज पहले जो डिविडेंड आता था वो डिविडेंड चेक या ड्राफ्ट के थ्रू आता था, इसको जब आप बैंक में डालते थे तो बैंक बैंक रियलाइजेशन चार्जेस लगाता था। इसके बाद कंपनीज एक्ट अमेंड हुआ और उन्होंने कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज को आजबा प्रोसेस में डिविडेंड डालने बोला। हैव यू हर्ड दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज आजबा? आजबा इज ऑटोमेटिक यू नो क्रेडिटिंग इन योर डीमैट अकाउंट। तो अब डिविडेंड जो था वो चेक और ड्राफ्ट से ना आकर के कैसे आने लग गया, डायरेक्ट आजबा प्रोसेस से आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। हालांकि ये करने पे भी बैंक चार्जेस लगाती है।
सो इधर आपका डिविडेंड चेक या ड्राफ्ट से आया तो भी बैंक चार्जेस लगते हैं, और अगर ये आजबा प्रोसेस से डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो भी आपको चार्जेस लगते हैं। नाउ बैंक चार्जेस जो है, कोई व्यक्ति बोल सकता है इस डिविडेंड को रियलाइज करने के लिए चार्जेस लगे, इसका कोई डिडक्शन नहीं है। अंडरस्टैंड, यही इंस्टीट्यूट खेलेगा, वो क्या करेंगे, डिविडेंड इनकम देंगे एंड डिविडेंड रियलाइजेशन चार्जेस देंगे, कंफर्म देंगे। साहब सर पूछिए मुझे ये क्यों पता है, पूछो ना। 2003 से पहले बराबर है डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता था, और उन सालों के जब भी कोई क्वेश्चंस रिफर करता है उसमें डिविडेंड रियलाइजेशन चार्जेस का डिसअलाउंस रहता था। अब जब 2020 में डिविडेंड वापस अपने क्लासिकल सिस्टम में आया तो एग्जामिनर को फिर ये पॉइंट वापस पूछने का मौका मिल गया, बुलाती है मगर जाने का नहीं। डिविडेंड से सिर्फ एक ही डिडक्शन अलाउड है, कौन सा, इंटरेस्ट पेड और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम, काम खत्म। बराबर है, ये इसके अलावा, तो मैं रहता ना अभी आपकी जगह, मैं ना पेन से लिख देता डिविडेंड रियलाइजेशन चार्जेस नॉट अलाउड, पर नहीं, आप तो खुदा है, भगवान है, आप क्यों लिखेंगे, लिखो बे डिविडेंड रियलाइजेशन चार्जेस अलाउड। डन है भाई जी? तो सेक्शन 57 कहता है डिविडेंड अगर रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिल सकता है। किसका डिडक्शन मिलेगा, बोलो जल्दी से, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल सकता है, और कोई खर्चे अलाउड नहीं है, और कोई खर्चे अलाउड नहीं है। चलो एक मिनट, हाँ मैं आपको एक बात बोलूं, कंफर्म ऐसा जब इंक्लूसिव पढ़ोगे ना तुमको बहुत मजा आएगा, नहीं तो टीडीएस अलग पढ़ रहे, डिविडेंड अलग पढ़ रहे, डिडक्शन अलग पढ़ रहे, कुछ नहीं समझ में आने वाला तुमको। पर ये एक चार्ट ना तुम अपने किसी भी दोस्त के सामने रखोगे, उसको भी मजा आएगा, तुमको भी मजा आएगा कि भाई ये एक पेज पकड़े, ये एक पेज में सब कुछ खत्म है। यस, सो कंपनी को टीडीएस करना है 194 194 के, क्या कंपनी के लिए कुछ और भी है, क्या कंपनी के लिए कुछ और भी है, कंपनी पहले एक बार सोच के बताइए, कंपनी के लिए डिविडेंड पे करना इनकम है या एक्सपेंसेस है। चलो चलो मेरे साथ अब थोड़ा और डीप जाओ, अब मैं तुमको पीजीबी पे मैं घुसा रहा हूं, ठीक है, बने रहना, पकड़े रहना, पहले बता रहा हूं, डिविडेंड कंपनी के लिए इनकम है या एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है। अगर कंपनी के लिए डिविडेंड एक्सपेंसेस है, मतलब जर्नल एंट्री क्या पास होगी, डिविडेंड पेड अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रा इफेक्ट पीएनएल, समझ में आ गया मैंने क्या बोला, ठीक है। अब पीएनएल को आपने डिविडेंड ऐड कर दिया, पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त इज इट अलाउड एज डिडक्शन और डिसअलाउड, सवाल समझा, फिर से एक बार बोल रहा हूं वापस से सुनिएगा, कंपनी के लिए डिविडेंड एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हुआ मतलब जर्नल एंट्री पास हुई, डिविडेंड टू कैश बैंक जिसका इफेक्ट आपको एट द एंड पीएनएल में दिखा, अब पीएनएल को एक्सपेंसेस डेबिटेड है, पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त हम अलाउड डिसअलाउ करते हैं, इज डिविडेंड पेड अलाउड एज डिडक्शन और डिसअलाउड एज डिडक्शन, अलाउड 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 नॉट अलाउड, एक भाई है नॉट अलाउड, नॉट अलाउड दो, डिसअलाउड वाले चार, डिसअलाउड क्यों ऐसा लग रहा है बेटे आपको, बोलो, गलत हो सकता है, देखो हम सब यहां पे सीख रहे हैं इंक्लूडिंग मैं, क्या लग रहा है, क्यों डिसअलाउ, क्यों डिसअलाउ बोल बेटा, परफेक्ट, दिस इज नॉट एन एक्सपेंसेस, दिस इज एन एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट्स नॉट एन एक्सपेंसेस, एंड इफ समथिंग इज नॉट एन एक्सपेंसेस यू कैनॉट क्लेम इट एज डिडक्शन। कंक्लूजन, पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त बैलेंस शीट में अगर डिविडेंड दिख जाए लेना, नेट प्रॉफिट में एड बैक करना, डिसअलाउड। बराबर है, एक मिनट, डिसअलाउड तो हो गई, पर अब क्या, इसका डिडक्शन मिलता है, एक नया सेक्शन ऐड किया 80M। जब कंपनी अपना ग्रॉस टोटल इनकम निकालती रहेगी, पीजीबीपी में एड बैक करो, और नीचे ग्रॉस टोटल इनकम में 80M में डिडक्शन लाया, पर सबसे पहले लिखो पीजीबीपी एडजस्टमेंट, सबसे पहले लिखो पीजीबीपी एडजस्टमेंट, डिविडेंड पेड डिसअलाउड इन कंप्यूटिंग, बोलना मेरा बच्चा, पीजीबीपी,
इज दिस डन? हाँ जी बराबर है। इसके नीचे एरो करके इंस्टेड डोमेस्टिक कंपनी, इसके नीचे दो अंडरलाइन करें, बिकॉज डिविडेंड फॉरेन कंपनी भी दे सकती है। डोमेस्टिक कंपनी के लिए अंडरलाइन करें, बिकॉज जो डिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी विल क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80M, सो डिडक्शन इज फॉर डोमेस्टिक कंपनी। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं द डिडक्शन अंडर 80M कांट बी क्लेम्ड बाय फॉरेन कंपनी? हालांकि डिसअलाउंस फॉरेन कंपनी के केस में भी होगा व्हाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी इन इंडिया। कितने चैप्टर में घूम के आए? पीजीबीपी, आईएफओएस, टीडीएस, तीन चैप्टर में हम घूम लिए। डिडक्शंस चार चैप्टर में घूम लिए। टेंशन मत लो, रेसिडेंशियल स्टेटस में भी घुमाऊंगा। सुनो सर, डिविडेंड का रेसिडेंशियल स्टेटस है ना बेटा, इसीलिए हम कहते हैं रोमांसिंग द टैक्सेशन। आओ बेटा इधर सुनो, पहले एटीएम का डिडक्शन वर्क कैसे करता है लिख के दिखाओ कि ड्रॉ करके दिखाओ? एकदम सिंपल, ड्रॉ में आएगा, ड्रॉ करके दिखाओ। हाँ तो ध्यान से सुनना, लिख पहले समझ लो। रुको, डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी को भी डिविडेंड मिल रहा होगा, ठीक है? पेन रोक दो, पेन रोक दो। डोमेस्टिक कंपनी को भी डिविडेंड मिल रहा होगा, किस किस से मिल रहा होगा? हो सकता है किसी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से मिल रहा होगा, हो सकता है डोमेस्टिक कंपनी ने फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा, वहां से मिल रहा होगा, हो सकता है डोमेस्टिक कंपनी को किसी बिजनेस ट्रस्ट से मिल रहा होगा, पॉसिबल है ना? बराबर है। सो ध्यान से सुनिएगा, लिखना मत, सिर्फ सुनना। सो हो सकता है डोमेस्टिक कंपनी रिसीव्स डिविडेंड, रिसीव डिविडेंड, एंड डोमेस्टिक कंपनी पेज डिविडेंड, पॉसिबल है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80M इज इक्वल्स टू डिविडेंड रिसीव्ड और पेड, विच एवर इज लोअर। सेक्शन खत्म। वापस सुनो, सुनो, डोमेस्टिक कंपनी को सिर्फ डिविडेंड मिला, नो डिडक्शन, उसने पे किया, दे कैन क्लेम प्रोवाइडेड उनको रिसीव भी हुआ हो, यस और नो? सो इफ दे रिसीव डिविडेंड, डिविडेंड कहां से रिसीव कर सकते हैं? किसी डोमेस्टिक कंपनी से रिसीव कर लिया, किसी फॉरेन कंपनी से रिसीव कर लिया, किसी बिजनेस से रिसीव कर लिया, एंड दे ऑल्सो पे डिविडेंड, एंड दे ऑल्सो पे डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड, विच एवर इज लोअर का डिडक्शन है, विच एवर इज लोअर का डिडक्शन है। 80M सिंपल शब्दों में समझ में आ गया। इन सब का प्रूफ रीडिंग भी करेंगे, हाल फिलहाल में हम सिर्फ शॉर्टकट्स बना रहे हैं। अब बनाओ, डने भाई साहब, भाई जी डने, सो दिस बेनिफिट इज ओनली फॉर डोमेस्टिक कंपनी। नाउ एटीएम कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय फॉरेन कंपनी। सर जी क्लियर?
सुनिए, खत्म नहीं हुआ है। 115 बीबीडी, कभी इस सेक्शन को सुना है? सुनो, 1 2 पॉइंट नंबर 3 आएगा, राइट? कंपनी में पॉइंट नंबर 3 आएगा, आप लोग बी पॉइंट नंबर 3 पे ही है, ठीक है। सेक्शन 115 बीबीडी, मार्केट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देर इज एन अमेंडमेंट, मार्केट इंपॉर्टेंट बिकॉज देर इज एन अमेंडमेंट। ठीक है, सुनिए, सेक्शन 115 बीबीडी क्या कहता है, बराबर है? सेक्शन 115 बीबीडी कहता था, फिर से पेन रोको, इधर देखो, अगर कोई इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी में 26% और मोर होल्ड करती थी, अगर कोई इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी में 26% और मोर होल्ड करती थी, ये फॉरेन कंपनी इस इंडियन कंपनी को डिविडेंड देती थी, दिस डिविडेंड वॉज टैक्सेबल एट अ कंसेशनल रेट ऑफ 15%। सेक्शन 115 बीबीडी कहता था, अगर कोई इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी के अंदर 26% और मोर होल्ड करती थी, ऐसी फॉरेन कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती थी किसी इंडियन कंपनी को, तो टैक्स रेट वॉज, बोलो ना बेटा, 15%, whereas normal tax rate for companies are 25 or 30% as the case may be, ये income 15% से taxable होती थी, Finance Act 2022 ने कहा अब concessional rate मिलना बंद, इसका मतलब dividend tax नहीं होगा, नहीं है, इसका मतलब dividend is taxed at normal rate एप्लीकेबल टू कंपनी। अमेंडमेंट समझ में आया? सो इफ कंपनी रेट इज 25 25 30 30 40 40 फॉरेन कंपनी, अमेंडमेंट समझ में आया क्या हुआ? फाइनेंस एक्ट 2022 का अमेंडमेंट समझ में आया क्या हुआ? वापस से बोलो पूरा प्रोविजन, अगर कोई इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी में कितना होल्ड करती थी, 26%, यस, तो वो कितने परसेंट पे टैक्सेबल होता था? 15% पे टैक्सेबल होता था। फाइनेंस एक्ट 2022 ने कंसेशनल रेट हटा दिया, विच मींस नाउ दिस डिविडेंड विल बी टैक्सेबल एट, बस समझ में आ गया, बनाओ। इस चक्कर में जितने भी क्वेश्चंस में 115 बीबीडी की एडजस्टमेंट होगी वो बदल गया। Is this done? Yes or no? चलो जी, डन। सो भाई जी, अगर आप देखेंगे कंपनी के एडजस्टमेंट सारे समझ में आए? हाँ। अब मेरे को एक और सवाल आया है, इंडियन कंपनी ने नॉन रेसिडेंट को डिविडेंड डिक्लेयर किया, दिस डिविडेंट इज पेड आउटसाइड इंडिया, इज इट टैक्सेबल टू नॉन रेसिडेंट इन इंडिया? यस, रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन नंबर 9 सेज
इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय एन इंडियन कंपनी, इनकम विल डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, रेसिडेंशियल स्टेटस। पॉइंट नंबर फोर, इफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड टू एनआर सेक्शन 9 इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। रेसिडेंशियल स्टेटस, IFOS, डिडक्शन, TDS, PGBP। आप लोग को लगता था डिविडेंड सिर्फ IFOS में पढ़ा जाता है। डिविडेंड का कंसेप्ट बहुत अलग अलग चैप्टर्स में है, वो यहां से पता चलता है। दम है तो क्लबिंग जोड़ के दिखाऊं? सुनो, जोड़ता हूं। सपोज आपने शेयर ट्रांसफर कर दिए स्पाउस को फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन एंड स्पाउस अर्न डिविडेंड, सेक्शन 64 इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। सब जुड़ता है। चलो जी, इंक्लूसिव में सब समझ में आ गया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं एक बार ये पूरा पढ़े, क्योंकि अब हम सबके रेफरेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स में जाके वापस पढ़ेंगे। रीड इट एक बार, कंप्लीटली रीड कर दो। 1 मिनट भाई जी, नहीं 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 रुको। सिक्स्थ, इधर शेयर होल्डर में, सिक्स्थ डिविडेंड इंक्लूड्स डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A2E। ये सुनो, चलो दने जी, सर कैन दिस बोर्ड बी नॉट अवेलेबल? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं चाहूँ आपको 1 मिनट में इसका PDF निकाल करके दे दूँ, पर फिर तुम वही तो काम कर रहे हो जहां तुमको लिखने की मेहनत करनी है, हैंड्स को आदत डलवानी है, वही तो नहीं कर रहे हो तुम। हर चीज PDF में लोगे, दुनिया के सारे टीचर का जो मटेरियल जहां से मिल रहा सब PDF में लेके तुमने टेलीग्राम में सेव कर लिया, सबका प्रिंट आउट निकाल दिया, करोगे क्या भाई? एक चीज को फॉलो करना, मतलब तू लॉजिकली समझ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं तेको एक बात बताऊं, मेरे डैड एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, 100 बकी और एक लिखी। जो चीज तूने तेरे हाथ से लिखी है ना, तू उसको कभी नहीं भूलता। तू फाउंडेशन और इंटर पास इसलिए हुआ क्योंकि तूने लिख लिख के प्रैक्टिस करी, और फाइनल में ये तेरी प्रैक्टिस गायब हो चुकी है। मैं मेरे रेगुलर बैच में भी 200-300 प्रॉब्लम लिखवाता हूँ, रीड नहीं करवाता, लिखवाता हूँ कि तू लिख, क्योंकि जब तू लिखेगा तो तेरे को कॉन्फिडेंस आता है। तू पढ़ कितना भी ले, तेरे को याद नहीं रहता मेरे भाई। सो लिखेगा ना तू, तो तेरे को कभी भी याद रहेगा। इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बहुत से ब्रिलियंट स्टूडेंट्स देखे फाइनल के अंदर में, दे हैव एक्सेप्शनल नॉलेज, बट ये कभी पेपर ही खत्म नहीं कर पाते 3 घंटे में, क्योंकि लिखने की आदत खत्म हो गई। तुम्हारी ऑफिस की आदत है टाइपिंग, लिखने की आदत खत्म हो गई। अब जिस आदमी ने 3 साल लिखा ही नहीं, तुम उसको 3 घंटे में 100 मार्क का लिखने बोल रहे हो, वो पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाता। जब वो FR जैसा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता, DT में आप उसको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो 75-80 का सॉल्व करके आता, फिर 40 एक्सपेक्ट करता। समझ में आई बात? बेसिक इशू इज नॉट द नॉलेज, यू पीपल हैव नॉलेज, बट राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। मेरे को कुछ नहीं लगेगा, इसका स्क्रीनशॉट भी तुम निकाल सकते हो, पर कितने फोटो तुमने खींचे हैं जिसको तुमने रिविजिट नहीं किया? करेक्ट है कि नहीं है? कोई रिविजिट करता है? कोई नहीं करता। हम ही नहीं करते, तुम क्या करोगे?
यस चलो जी आ जाओ। अब इन सबको पढ़ लिया, आ करके एक एक एडजस्टमेंट्स पहले पढ़ते हैं। प्लीज कम ऑन डिविडेंड, पेज नंबर 3। टू फाइनेंस एक्ट 2020 हैज अबॉलिश द डीडीटी एंड हैज मूव टू द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। ट्रेडिशनल सिस्टम मतलब प्रायर टू 2003 वाले सिस्टम। 2003 से पहले क्या होता था, डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता था। 2003 से 2020 तक के डिविडेंड के ऊपर डीडीटी कंपनी पे करती थी, याद आ रहा है क्या कुछ? डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा दिया, एक सेक्शन हुआ करता था 115O, हटा दिया, काम खत्म किया। इधर आइए राइट, सीधा नीचे। ये एक शॉर्टकट टेबल है जिसको एंड में समझ में आएगा आपको। इंटरिम डिविडेंड डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच डिविडेंड इज अवेलेबल बाय कंपनी टू द मेंबर। इंटरिम डिविडेंड उस साल टैक्सेबल जिस साल शेयर होल्डर को मिला। डिविडेंड इंक्लूड्स डीम डिविडेंड। यस डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। इंटरिम डिविडेंड टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। डीम डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज पेड टू शेयर होल्डर। फाइनल डिविडेंड इज टैक्सेबल व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड इन एजीएम। क्योंकि एजीएम में आपने डिक्लेयर किया, डिविडेंड बिकेम्स लाइबिलिटी। सेक्शन 123 टू 129 प्रिसाइजली ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सरचार्ज याद होगा तो मैक्सिमम सरचार्ज इज रिस्ट्रिक्टेड टू 15%। यस और नो? एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 57 व्हाइल कंप्यूटिंग द डिडक्शन इनकम एक्चुअल इंटरेस्ट और 20% ऑफ द डिविडेंड नो एक्सपेंसेस एक्सेप्ट अबव शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। डिविडेंड रिसीव्ड बाय एनआर इज टैक्सेबल टीडीएस एट द रेट ऑफ 20% अंडर सेक्शन 195। पूछो टीडीएस 20% क्यों? देर इज अ सेक्शन, जब आप मेरे साथ एनआर टैक्सेशन में होंगे, सेक्शन है सेक्शन 115A जो कहता है डिविडेंड 20% पे टैक्स होगा। सिंस एनआर का टैक्स 20% से है, तो गवर्नमेंट रिकवर कैसे करती है? टीडीएस लगा के 20% रिकवर कर लेती। वो एनआर के पीछे भागते नहीं बैठेगी, टैक्स दे टैक्स दे टैक्स दे। वो बोलेगी जो पे कर रहा है वही मेरे को 20% दे दे, एनआर का 20 रिकवर्ड। कंपनी ऑल्सो इन्वेस्ट इन द शेयर ऑफ अनदर कंपनी एंड इट ऑल्सो रिसीव डिविडेंड विच इज टैक्सेबल बाई कंपनी। कंपनी एट द सेम टाइम पेज द डिविडेंड एंड देयर फॉर फाइनेंस एक्ट इज इंसर्टेड एज सेक्शन 80M फॉर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स। यस इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स का प्रोविजन लेकर के आए हैं। आ जाओ बेटा, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स कैसे वर्क करते हैं? डिविडेंड रिसीव डिविडेंड पेड विच एवर इज लोअर। आइए जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आपको डिडक्शन भी ओपन करता हूं मैं। डिडक्शन निकालिए तब तक आप बुक्स में, तब तक बुक्स में डिडक्शन निकालिए। डन, सर्च फॉर एटीएम। पेज नंबर एनीवन, पेज नंबर आया यहां पे। नो नहीं, इसको IFO इसके साथ ही कवर किया गया है, फिर यहाँ पे नहीं रखा गया है। आ जाइए यहाँ पे, यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे लिख दीजिए डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड पेड विच एवर इज लोअर। डने जी
आ जाओ, एटीएम के बाद 194 टीडीएस, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द इंडियन कंपनी, नेक्स्ट पेज, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द इंडियन कंपनी जब भी शेयर होल्डर को पे कर रहा है हु आर रेसिडेंट इन इंडिया एक्सीड्स ₹5,000, लिमिट्स ली है, नो टीडीएस अगर वो 5,000 से ऊपर नहीं जाता, टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%, हालांकि द सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इफ पेड टू एलआईसी, जीआईसी और अदर इंश्योरर, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हो, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हो या अदर इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हो तो टीडीएस नहीं लगेगा, बाकी हर केस में टीडीएस आएगा इफ डिविडेंड अमाउंट एक्सीड 5,000, दैट्स 194। 195 टीडीएस कितने पे डिडक्ट होगा? 20%। टीडीएस कितने पे डिडक्ट होगा मालिक? 20%। क्लियर है? 115 बीबीडी, इतना थियरी पढ़ने से बेटर सीधा ये, इंडियन कंपनी अगर फॉरेन कंपनी में 26% और मोर का इक्विटी कैपिटल रखती है, डिविडेंड आता है, पहले इस पे कितना हुआ करता था? 15%, बट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई टू एनी असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। तो असेसमेंट ईयर 23 से एप्लीकेबल नहीं है, विच मीन्स नाउ डिविडेंट इज टैक्स्ड एट, बोलो बेटा, नॉर्मल रेट। डन, प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस इज ऑल्सो देयर, प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस इज ऑल्सो देयर। डन है भाई जी, आते हैं ऑन द कंसेप्ट ऑफ, बोलो, डीम डिविडेंट, आते हैं ऑन द कंसेप्ट ऑफ डीम डिविडेंट। सर व्हाट इज डीम डिविडेंट? एक्चुअली ये डिविडेंड नहीं है, लॉ इसे अज्यूम कर रहा है ये डिविडेंड है, एक्चुअली डिविडेंड नहीं है, लॉ इसे अज्यूम करता है ये डिविडेंड है। 222 ए बी सी डी ई, ऐसे पांच सेक्शन है, पूछेगा सिर्फ 222 ई, तो काम की क्या चीज है 222 ई, इसको बस मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीट कर लो, इसको बस मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल रहा हूं। यस, अच्छा जी, इसमें से 222 सी तो आप मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब आप कैपिटल गेन पढ़ रहे थे, याद करो, अगर कंपनी लिक्विडेशन में शेयर होल्डर को असेट उठा के देती है टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डीम डिविडेंड माना जाता है, तो वन साइड तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया इसका। यस, 222 सी आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, आइए 222 सी का अपोजिट पार्ट पढ़ते हैं। मान लीजिए कंपनी लिक्विडेशन में नहीं है फिर भी शेयर होल्डर को असेट उठा के दे दे रही है, कंपनी लिक्विडेशन में नहीं है पर फिर भी शेयर होल्डर को असेट उठा के दे रही है, इसे भी डीम डिविडेंड माना गया है। यस, इसे भी डीम डिविडेंड माना गया है अंडर सेक्शन 222 ए। सो एनी कंपनी, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिलीज ऑफ इट्स असेट टू शेयर होल्डर, सो कंपनी अगर शेयर होल्डर को अपने असेट उठा करके दे देती है, यस, तो इस केस में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दी असेट क्या माना जाएगा? डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब जितने रिजर्व्स है उतने तक के अमाउंट को क्या माना जाएगा? डीम्ड डिविडेंड। क्लियर है मालिक? 222 बी, आपको पता है इसे डीम डिविडेंड क्यों माना जा रहा है, इसके पीछे के लॉजिक्स क्या है? इसके पीछे के लॉजिक्स ये है, डीम डिविडेंड इसे इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये सारे टैक्स प्लानिंग के नतीजे थे, ये सारे किसके नतीजे थे? टैक्स प्लानिंग के नतीजे। लोग क्या करते थे, जब डिविडेंड टैक्स होता था शेयर होल्डर के हाथ में तो कंपनीज क्या करती थी, स्पेशली द प्राइवेट कंपनीज क्या करती थी, शेयर होल्डर को कैश नहीं देती थी, बदले में असेट उठा के दे देती थी, एंड दैट्स हाउ दे यूज टू अवॉइड टैक्सेशन ऑन डिविडेंड्स। तब जाकर के 222 ए लाया, 222 सी लेकर के आया कि भैया लिक्विडेशन में है सी, नॉन लिक्विडेशन ए। दूसरा 222 बी, 222 बी में क्या किया जाता था, शेयर होल्डर को क्या करते थे, सी देखिए कितना सिंपल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है, डिविडेंड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब जैसे ही डिविडेंड दिया रिजर्व्स कम हो जाएंगे, से यस, रिजर्व्स कम कर या लाइबिलिटी बढ़ा दे, इंपैक्ट तो लाइबिलिटी साइड में आ गया,
इंपैक्ट लायबिलिटी साइड में आ गया। कई बार शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने स्पेशल शेयर होल्डर्स को बचाने के लिए क्या कर दिया जाता था, शेयर होल्डर को डिबेंचर डिबेंचर स्टॉक इशू कर देते थे। मतलब डिविडेंड ना देके कुछ खास शेयर होल्डर को क्या करते थे, जिनको बेनिफिट देना था या जिनका अमाउंट निकलना नहीं चाहिए इसलिए रखना था, ये लोग क्या कर देते थे, डिबेंचर उठा के दे देते थे, डिबेंचर स्टॉक उठा के दे देते थे। इक्विटी शेयर होल्डर को डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक उठा करके दे देने का कोई लॉजिक ही नहीं है। कई बार प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस इशू ला देते थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस इशू देने का कोई लॉजिक ही नहीं था। तब जाके 222B, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू ईच शेयर होल्डर बाय कंपनी ऑफ डिबेंचर डिबेंचर स्टॉक बोनस टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, क्या मान लिया गया, डीम्ड डिविडेंड। 222D, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का अगर रिडक्शन होता है और बदले में आपको अमाउंट दी जाती है, दैट अमाउंट्स टू डीम्ड डिविडेंड। चारों में से कुछ नहीं पूछेगा एक्सेप्ट द लिक्विडेशन। अगर पूछा तो आपको पूछेगा 222E, आपको पूछेगा 222E। सो हाउ 222E वर्क्स, आपको पूछेगा 222E। डिविडेंड्स में ही आप लिख सकते हैं सेवेंथ पॉइंट, शायद शेयर होल्डर के नीचे सेवेंथ पॉइंट, सेवेंथ ही रहेगा ना, देखो एक बार। यस चलो 222E। अब ये 222E क्या बोल रहा है, सबसे पहली बात, 222E इज एप्लीकेबल ओनली टू प्राइवेट कंपनी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोजली हेल्ड कंपनी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट इंटरेस्टेड। पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, अब इसका राइट मीनिंग बनेगा। ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, ये रॉन्ग वर्ड था। सो 222E इज एप्लीकेबल, 222E इज एप्लीकेबल ओनली टू प्राइवेट कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी, कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियल। ये तीनों के मीनिंग एक ही है इनकम टैक्स में। सो अगर कोई पर्सन है, किसी भी पर्सन का इस प्राइवेट कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब 10% और मोर ऑफ वोटिंग राइट, किसी भी पर्सन का इस प्राइवेट कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ऐसी प्राइवेट कंपनी इन्हें लोन्स या एडवांस देती है, तो इन लोन्स एंड एडवांस को ही आप डीम डिविडेंड मान लेंगे। इन लोन्स एंड एडवांस को ही आप डीम डिविडेंड मानेंगे। सुनिए, ये लाया क्यों गया, अगेन लोग क्या करते थे, टैक्स को या प्राइवेट कंपनी को एज अ शेल यूज किया जाता था। क्या करते थे, मान लीजिए विजय माल्या साहब बैंक में लोन लेने गए, बैंक में लोन लिया, पैसा लिया, पैसे को भरपूर यूज कर लिया, कैलेंडर बनाए, इसमें बनाए, वो बनाए, बराबर है, भरपूर यूज कर लिया, अब पैसा खत्म हो गया, बैंक को रीपे करने के लिए पैसा ही नहीं। ये जाते थे उन साधुओं के पास, महात्माओं के पास, जिन्होंने न संडे देखा, न मंडे देखा, न शाम देखी, न सुबह देखा, बस अपनी मेहनत करते रहे, इनके पास गए, कहा प्रभु पथ प्रदर्शित करो, मुझे तो बैंक वाले मेरे क्रेडिट रेटिंग पे पैसा ही नहीं दे रहे, मुझे तो बैंक वाले मेरे क्रेडिट रेटिंग पे पैसा ही नहीं दे रहे, अब क्या करेंगे। तो बोल लो क्या करेंगे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं सर, हम एक प्राइवेट कंपनी बना देते हैं, हमें हमारे फाउंडेशन या सीपीटी लेवल पे सिखाया गया है कंपनी इज डिफरेंट पर्सन इज डिफरेंट। तो क्या किया जाता था, प्राइवेट कंपनी बनाई जाती थी, अब प्राइवेट कंपनी में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके लोन को अप्लाई किया जाता था।
आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? उस प्राइवेट कंपनी में क्या किया जाता था, सबसे पहले इनके घर वालों को रख दिया जाता था, शेयर तो बाद में भी एक्सटेंड हो सकते हैं, बराबर है। वो प्राइवेट कंपनी लोन्स एंड एडवांस अप्लाई करती थी। लोन्स एंड एडवांस जैसी बैंक से नए कंपनी के अंदर में आ गया, अब नए कंपनी शेयर एक्सटेंड करके क्या करती थी, इनको लोन दे देती थी। अकाउंटिंग में लोन किसके पास पहुंच जाता था, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली उसी पर्सन के पास जिसने क्या किया है, इतने डिफॉल्ट्स किए हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब इसमें क्या होने लग गया, कई सालों बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आया कि ये लोग तो हमें क्यों, क्योंकि होता ये था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पांच पांच छह छह साल एडवांस टू डायरेक्ट डायरेक्टर, जब एओ असेसमेंट करता था बोलता था ये काय का एडवांस दिए, बोले सर मशीनरी लाने के लिए। दूसरे साल देखता था एडवांस टू डायरेक्टर कंटिन्यू, भैया ये काय के लिए दिया, भैया मशीन लाने के लिए। एओ बोलता था साला कौन सी ऐसी मशीन है जो 6 साल बनी रही है। लोन टू डायरेक्टर, एडवांस टू पर्सन, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वालों को लोन एंड एडवांस देके रखा, ऐसे लोन और एडवांस वापस ही नहीं आते थे। यस, इस चक्कर में शेल जैसे यूज किया जाता था। गवर्नमेंट ने बोला बेटा बंद करो ये धंधे, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। उनने सीधा सीधा बात बोला, ये लोन और एडवांस दे दिया ऐसे पर्सन को जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। द मोमेंट यू गिवन द लोन, इसको हम क्या मान लेंगे, डीम डिविडेंड मान लेंगे। जब ये रूट बंद किया, क्योंकि डीम डिविडेंड किसके हाथ में टैक्सेबल होना चालू हो गया, शेयर होल्डर के हाथ में, लोगों ने ये रूट बंद कर दिया। ये लोगों ने क्या किया, ये रूट बंद कर दिया। ये भागते भागते उन्हीं साधु महात्माओं के पास गया, कहे प्रभु पथ प्रदर्शित करो, ये तो फिर तकलीफ हो गई, इन्हें रूट बंद कर दिया, कोई नया जुगाड़ निकालो प्रभु, कोई नया सिलेबस निकालो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला ठीक है, बोले एक काम करो, तुम्हारा किसी और कंसर्न में रूट करवा लो, मतलब ये लोन और एडवांस तुम ना लो, किसी और कंसर्न में रूट करा लो जहां से तुम पैसा निकाल सकते हो। मतलब तुम कहीं पार्टनर हो, बोलता हाँ सर अपन बहुत सारे फर्म में पार्टनर है। हाँ तो बस काम खत्म, अब लोन तुमको नहीं मिलेगा, लोन फर्म को मिलेगा और फर्म से तुम निकालोगे। इट टुक इनकम टैक्स 9 ईयर्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। उनको बाद में समझ में आया ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, फिर ये रूट बंद कर दिया। अगर किसी कंसर्न ने इस व्यक्ति का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% ऑफ प्रॉफिट, और ये कंपनी इनको भी लोन या एडवांस देती है, ये भी क्या मान लिया जाएगा, डीम डिविडेंट। तो तुमने डायरेक्टली उसको दिया या किसी और कंसर्न को दिया जिसमें इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो भी दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल। ऑनलाइन वालों सब सही चल रहा है ना, कमेंट करते रहना, कुछ भी कमेंट कर दो, करते रहना, लगना चाहिए कि सब जिंदा चल रहे हैं। इज दिस डन? चलो हाँ, नहीं, फिर क्लबिंग प्रोविजन भी तो अट्रैक्ट करोगे ना तुम। जिस पर्सन के चक्कर में जिसको लोन एंड एडवांस गया, टैक्सेबिलिटी उसके पास आती। यहां पे क्या किया गया, फर्म या कंसर्न को क्या किया गया है, एज ए एंटिटी रूट किया गया है, टैक्सेबिलिटी इसके हाथ में आएगी एज अ डीम डिविडेंट। यस, अच्छा जी सर, एक और चीज, अब लोगों ने क्या धंधे चालू किए इसके बाद, मतलब यहां तक रुके नहीं, डेटी इतने ऐसे ही बड़ा नहीं हुआ। वो प्रोविजन लाते आप तोड़ते, वो प्रोविजन लाते आप मतलब आपके पूर्वज, पूर्वज मतलब जो इस कोर्स में आपके सीनियर रहे हैं, वो प्रोविजन लाते आप तोड़ते, वो लाते आप तोड़ते, और इस चक्कर में लॉ बड़ा हो गया। समझ में आ रही बात, ये एक दिन का सिचुएशन नहीं है सर, ये कई सालों का सिचुएशन है। यस, मेरे को तो इस बार फाइनेंस एक्ट में डर था डीटी उड़ा के डीटीसी ला लेते क्या, इतना तो बेचा है दीदी को ये सूझानी। कौन सा एक्ट कब पास कर देंगे कोई भरोसा नहीं, मेजोरिटी ऊपर से आ रहा 2024, तीसरा टर्म रिपीट हो गया ना। अच्छा पहली बात तो मेरे को समझ नहीं आता 2024 में होगा क्या, सर ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग कर रहा हूँ, 2024 में होगा क्या, आपको क्या लगता है, क्या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रिपीट हो सकती है? ऑप्शन ही नहीं है, पूछो क्यों, मेरा पर्सनल ओपिनियन ही है, माइट बी आई एम रॉन्ग, यस, बट अगर आप देखोगे मुद्दे खत्म कर दिए अपोजिशन के, अगर आप देखो अपोजिशन के आज तक के भारत में जो इलेक्शंस लड़े जा रहे थे, मैं
सब्जेक्ट से हट के बात कर रहा हूँ आइस ब्रेकिंग करने के लिए। यस, अब तक के जितने मुद्दे थे जिन पे सदियों से इलेक्शन लड़े जा रहे थे वो सारे मुद्दे खत्म हुए। मुद्दा तो ना आदमी के पास, इलेक्शन लड़ोगे मुद्दे पे ना बेटा। बराबर है, राम मंदिर इशू, नोटबंदी, जीएसटी, ट्रिपल तलाक, जम्मू कश्मीर इशू, इशू करोगे क्या? फिर यात्रा करनी पड़ती। करो, मुद्दा तो हो ना। फार्म लॉ अगेंस्ट में आपने बोला, हाँ चलो फार्म लॉ कैंसिल, आगे बोलो। अरे इशू आने से पहले उस इशू को ही खत्म कर देते, फिर कोई नया लॉ लेके आना है। ठीक है, तुमने मुद्दा उठा लिया, सब कर लिया, हम बैठे मेजोरिटी के साथ। जिस दिन बिल पास करना रहता, हर आदमी को फ्लाइट की टिकट भेज करके दिल्ली से दिल्ली में बुला लेते, चलो वोटिंग करो। क्या करूं मैं, मुद्दा तो होना आदमी के पास। मुद्दा कहाँ है? इलेक्शंस मुद्दों पे लड़े जाते हैं। जो 500 साल से केस चले आ रहा राम मंदिर इशू, वो भी तुमने खत्म कर दिया। मुद्दे तो हो ना। अब इसी तरीके का एक मुद्दा यहां पे भी था। मुद्दा क्या था? इनने डायरेक्ट रूट बंद किया, इनडायरेक्ट रूट बंद किया। अब लोग फिर से भागते भागते गए, बोले प्रभु पथ प्रदर्शित करो। करे तो करे क्या, पैसा तो चाहिए। ऐसा नो, पैसा तो चाहिए, करे क्या? उन्होंने बोला सर देखो हम एक काम करेंगे, तुम क्या करो पैसा ले लो, साल भर पैसे को यूज करो, ईयर एंड से पहले एंट्री वापस रिवर्स कर दो, डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट ही नहीं होता, फिर 2 अप्रैल को वापस ले लो। सिंपल अकाउंटिंग रिवर्सल। सी, लोगों को बैलेंस शीट में दिखेगा, एओ को बैलेंस शीट में दिखेगा, तब तो असेसमेंट होगा। उन्होंने क्या किया, लोन ले, अप्रैल में लोन ले, मार्च में फिर रिवर्स कर दे, रिवर्स के बाद फिर अप्रैल में वापस ले ले। अब बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट तो ना, डेबिट क्रेडिट सब गया, अकाउंटिंग इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा। रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा तो जब तक ये एक एक लेजर ना चेक कर ले तब तक के मिलने ही नहीं वाला उसको। तो लोगों ने क्या किया, लोन लेके रिपेमेंट ड्यूरिंग द ईयर का कंसेप्ट चालू किया। पर इस चीज को भी उन्होंने ट्रैक कर लिया, और कई सालों बाद एक केस आया। केस का नाम था तारुलता श्याम। केस का नाम क्या, तारा श्याम नहीं, तारुलता श्याम। थारा श्याम नहीं जी, तारुलता श्याम। और तारुलता श्याम के केस में ये हेल्ड हुआ, तारुलता श्याम वर्सेस सीआईटी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये हेल्ड हुआ, सेक्शन इज एप्लीकेबल एट द टाइम व्हेन लोन इज गिवन, इवन इफ द लोन इज रिपेड ड्यूरिंग द ईयर। और इसके ऊपर प्रायर टू 2013 6 क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि लोन दिया और वापस ड्यूरिंग द ईयर रिपे करवा लिया, क्या तो भी 222 ही लगेगा? यस, हाँ जी, डन है। अब इस सेक्शन के कारण कई कॉन्ट्रोवर्सीज भी आई, क्योंकि लोन एंड एडवांस आदमी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में दे देता है, पर उसका इंटेंशन हमेशा टैक्स चोरी का नहीं होता। सर्कुलर लाया गया 19 2017, कहा अगर ये लोन्स एंड एडवांसेस एज अ पार्ट ऑफ ट्रेड प्रैक्टिस आपने दिया है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। हाइट तो ये हुई, जब ये सेक्शन को लाया गया तब बैंकों के ऊपर भी 222 ही धनाधन धनाधन लगाने शुरू कर दिया। बैंक ने बोला ए, पागल हो गए, ये मेरा रेगुलर बिजनेस है, लोन देना। यस और नो, ये मेरा रेगुलर बिजनेस है, लोन देना, तब जाकर के ये प्रोविजन हटाया गया। सो दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल अगर लोन देना आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। बायबैक ऑफ शेयर्स आर नॉट कंसिडर्ड एज लोन और एडवांस, बायबैक ऑफ शेयर्स पे भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। यस, जो 222C और D में कवर हो रहा है वो यहां कवर नहीं है। लोन्स एंड एडवांस बाय प्राइवेट कंपनीज ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसके आगे की ये लाइन आप कट कर दीजिए, ये ओल्ड हो चुकी है। यस, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनीज एक्ट के हिसाब से निकाला जाएगा। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब 10% ऑफ वोटिंग राइट, अदर कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब 20% ऑफ प्रॉफिट और 20% ऑफ वोटिंग राइट। क्लियर है प्रभु? ये सुनो। अच्छा, अब अमल कमीशन में पॉइंट आया। अमल कमीशन में क्या होगा, क्योंकि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ओल्ड कंपनी का भी इसी में होगा, तो उन्होंने कहा जब अमलगमेटेड कंपनी के लिए अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखा जाएगा, अमलगमेटिंग का भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट काउंट किया जाएगा,
उनका भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। तो सेक्शन टॉक्स अबाउट लोन्स और एडवांसेस, क्लियर है मालिक? द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंट इज ओवर। हमने क्या क्या पढ़ा, एटीएम पढ़ा, 194 पढ़ा, एक मिनट, डिडक्शन वाला पार्ट बाकी है, इधर आइए। डिडक्शन में पहला, यस, एक्सपेंडिचर ऑन रियलाइजेशन ऑफ डिविडेंड्स। अब ये वर्क करने वाला है क्या? नहीं, बट हां 20% ऑफ डिविडेंड और इनकम फ्रॉम यूटीआई और म्यूचुअल फंड ये आपको मिलेगा, दैट इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। यस मालिक, आ जाइए। चलो आओ बेटा, दैट वॉज डिविडेंट। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फैमिली पेंशन। डिविडेंड सबको समझ में आया मालिक? आ जाओ फैमिली पेंशन। रजिस्टर में चलिए, गिव द हेडिंग फैमिली पेंशन, 17.7 पे आपको दिख जाएगा। फैमिली पेंशन, दिस इज द थर्ड कंसेप्ट वी आर राइटिंग इन IFOS, राइट? सुनो, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को पेंशन दी तो टैक्सेबल इन सैलरी, टैक्सेबल इन सैलरी। एम्प्लॉयर ने पेंशन टू फैमिली मेंबर ऑफ डिसीज्ड, एम्प्लॉई दी, दिस इज टैक्सेबल इन IFOS। डिड यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन पेंशन एंड फैमिली पेंशन? जीते जी एम्प्लॉय को मिली पेंशन, मरने के बाद उसके घर वालों को मिली फैमिली पेंशन। डन? हाँ जी, फैमिली पेंशन के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। फैमिली पेंशन, इफ द एम्प्लॉई वॉज इन आर्म्ड फोर्सेस, कहाँ बेटा? आर्म्ड फोर्सेस एग्जम्प्ट। आर्म्ड फोर्सेस मतलब डिफेंस वगैरह में होंगे। यस, 26/11 का अटैक हुआ, जो लोग गुजर गए उनके घर वालों को फैमिली पेंशन मिला, आपको लगता है टैक्सेबल भी होना चाहिए? नहीं, एग्जम्प्ट। एम्प्लॉय वॉज रिसिपियंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड। आर यू अवेयर गैलेंट्री अवार्ड? हाँ, एग्जाम्पल, यस, भारत रत्न की बात नहीं चल रही यहां पे, गैलेंट्री अवार्ड्स की बात चल रही है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीरता अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड्स जिन लोगों को मिल चुके हैं, मतलब जाहिर सी बात उन्होंने देश के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है, इनके घर वालों को फैमिली पेंशन मिल रहा है, ये भी एग्जाम्प्ट। बाकी किसी को भी मिल रहा है, अदर्स, जितना रिसीव्ड हुआ उतना, लेस, लोअर ऑफ ए 15,000, बी 15,000, बी 1/3 ऑफ पेंशन। डन है भाई जी?
डन है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फैमिली पेंशन 1018 1019 के अंदर में एग्जम्प्ट है 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच इज लोअर का बेनिफिट मिलेगा। पेंशन रिसीव टू फैमिली मेंबर ऑफ डिसीज इज कॉल्ड एज फैमिली पेंशन। सॉर्टेड। हम कहाँ हैं सर? हम 56-2 की लिस्ट में बैठे हैं। हम कहाँ हैं सर? 56-2 की लिस्ट में बैठे हैं। लास्ट सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कौन सा पॉइंट लिखेंगे? फोर्थ पॉइंट। फोर्थ ही है ना? पहला हुआ कैजुअल, दूसरा हुआ डिविडेंड, तीसरा हुआ ये फोर्थ पॉइंट। यस, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। नाउ अंडरस्टैंड दिस, द कॉन्सेप्ट इज अगेन एप्लीकेबल ओनली टू प्राइवेट कंपनी। द कॉन्सेप्ट इज अगेन ओनली एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। सर वाई ओनली प्राइवेट कंपनी एंड प्रीमियम क्यों टैक्स कर रहे? बताता हूं ना साहब, टैक्स प्लानिंग, जबरदस्त टैक्स प्लानिंग। सर कैसे? इतने तेजस्वी लोग हैं भारत में, बराबर है। सपोज ये है एक भाऊ। कौन है भाऊ? जिनके पास है वाइट का पैसा जो कन्वर्ट करवाना है ब्लैक में, बराबर। ये पकड़ते थे एक प्राइवेट कंपनी को, ये अपने दोस्त की किसी प्राइवेट कंपनी को पकड़ते थे। प्राइवेट कंपनी को क्या चाहिए था? कैपिटल भी चाहिए था, बराबर है। प्राइवेट कंपनी ऐसी जिसको कैपिटल की जरूरत थी, या एक शेल कंपनी। भाव क्या करते थे? भाव इन्वेस्ट करते थे। भाव क्या करते थे? भाव इन्वेस्ट करते थे। यहां 100 रुपए का शेयर और 400 रुपए के प्रीमियम में खरीदते थे, बन जाते थे 500 रुपए। क्या होता था? बन जाते थे 500 रुपए। प्राइवेट कंपनी में कैपिटल आया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आया, जर्नल एंट्री, कम ऑन। यस, इतनी जर्नल एंट्री तुमने एफआर में भी नहीं देखी होगी, फाइनल में जितनी हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, ठीक है। अब क्या किया जाता था? क्या किया जाता था? कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस क्लेम करके ये स्पा को क्या कर देते थे? गायब। कंपनी के पास जितना कैश आता था, ये कैश कहां पहुंच जाता था? भाव के पास। कंपनी को फायदा क्या? कंपनी लाइबिलिटी उठा रही थी, एज अगेंस्ट दिस उनको एक्सपेंसेस क्लेम करने का मौका मिल रहा था, उनका टैक्स रिड्यूस हो रहा था, साथ साथ में भाव का कैपिटल, और भाव हमारे साथ जुड़े हैं तो बहुत सारे काम मिलते रहेंगे। प्राइवेट कंपनी का फायदा ही फायदा। भाऊ तुम्हारा वाढदिवस ची हार्दिक शुभेच्छा। प्राइवेट कंपनी का फायदा हो गया, प्राइवेट कंपनी का ब्लैक टू व्हाइट हो गया। इनके पास जो कैश आता था वो भाव के पास पहुंच जाता था, भाव का कैपिटल यहीं रहता था, भाव का जो स्पा वाला अमाउंट है, एक्सपेंसेस क्लेम करवाया, जो कैश आया वो किसके पास पहुंचा दिया? भाव। इनका स्पा खत्म, एक्सपेंडिचर बुक्ड, भाव का पूरा 400 रुपए भाव के पास पहुंच जाता था, या कमीशन देकर के 395 रुपीज भाव के पास पहुंच जाता था। बचते ये 100 रुपए, 100 रुपए भाव को इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड दे दिया जाता था और बराबर सब काम चलता रहता था, बराबर। देखिए क्या जबरदस्त टैक्स प्लानिंग थी। प्राइवेट कंपनी में यह हो सकता था, पब्लिक में मुश्किल था, क्योंकि रिजोल्यूशन पास करते बैठो। शरदेंशा मैकेंजी पिटेट, इफ प्राइवेट कंपनी आर यूज्ड टू अवॉइड टैक्स, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कैन बी डन। फाउंडेशन में पढ़ा था तुमने, सीपीटी में, याद आ रहा है क्या? बस लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हुई, एक दिन असेसमेंट किया, एओ को समझ में आया, मां कसम ये प्रीमियम के चक्कर में इनने तो हमारे टैक्स के घोड़े लगा दिए। अल्टीमेटली क्या हुआ? गवर्नमेंट को समझ में आ गया, ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, दैट इज द रीजन प्रीमियम को टैक्स करना चालू कर दिया।
नहीं तो प्रीमियम को टैक्स करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। कलल का ये इस तरह मैंने क्या कहा, बेचारे लॉ बनाते आप तोड़ते, फिर लॉ बनाते आप फिर तोड़ते, तो सर क्या आज भी ऐसा कोई रूट अवेलेबल है? वाह, चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम थोड़ी ना बताएंगे, हम अलग से डिस्कस करेंगे इसको कभी, है ना। और ये वीडियो यूट्यूब पे जाने वाला है, मैं रिस्क ले ही नहीं सकता। चलो जी ध्यान से सुनो, पूरा गेम समझ में आ गया क्या होता था। ऐसा कई लोग करते, अपन ने आज तक ऐसा नहीं कहा, अपन सिर्फ बता रहे मार्केट में कैसा होता है। सर तो मतलब ये आज भी होता है? वाह कमाल है, भारत में कौन सी प्रथा कब बंद हुई है बे? बस नाम बदल दिया गया है, ये सुनो नाम बदल दिया गया है या करने का तरीका बदल गया है, प्रथा कोई चेंज नहीं होती यहाँ पे। अब ध्यान से सुनिए, अब क्या किया जा रहा है, इन्होंने कहा अगर कोई प्राइवेट कंपनी शेयर इशू करती है प्रीमियम के ऊपर तो कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू IFOS। कंसिडरेशन जितने में आपने लिए वो माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, लाला मेरे लाला, गजब करेगा इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट क्या करेगा? गजब, वो आपको फेयर मार्केट वैल्यू भी देगा और फेस वैल्यू भी देगा। हम फॉर्मूले में फेस वैल्यू नहीं ढूंढ रहे, जबकि फेस वैल्यू के ऊपर जो मिला वो प्रीमियम होता है, पर हम यहां ये नहीं ढूंढ रहे, यहां फेयर मार्केट वैल्यू माइनस किया जाएगा। सो प्रॉब्लम में फेस वैल्यू दिया भी है तो बिल्कुल उसे ऐसे ही इग्नोर करो जैसे तुम्हारा एक्स तुम्हें करता है या वाइस वर्सा। समझ में आई बात? सो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस करना है, फेस वैल्यू माइनस नहीं करना है। क्लियर? इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू IFOS। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब एक्चुअल कंसिडरेशन को ही क्या किया जाएगा, टैक्स किया जाएगा। इन शॉर्ट प्रीमियम की टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, इन शॉर्ट प्रीमियम की टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी अगर ये वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग ने किया है तो, अगर ये पर्सन स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है तो। वेंचर कैपिटल कंपनी अगर प्रीमियम पे इश्यू कर रही है द सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कर रही है द सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। 3 अगर स्टार्टअप एलिजिबल स्टार्टअप कर रहा है दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। तो तीन लोगों पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, वेंचर कैपिटल कंपनी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 AIF, तीसरा एलिजिबल स्टार्टअप। अब अगर आप नीचे देखोगे तो मीनिंग ऑफ स्टार्टअप दिया हुआ है आपको और कंडीशंस टू बी स्पेसिफाइड दी हुई है। यस चलिए एक बार मीनिंग ऑफ स्टार्टअप पढ़ लीजिए, ये एडिशनल पॉइंट है जो आपको दिया है जो एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। सिर्फ एक बार, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, स्टार्टअप पढ़ लीजिए, स्टार्टअप क्या है, कंडीशंस पढ़ लीजिए, स्टार्टअप पढ़ लीजिए फटाक से, बस एक रीड दे दीजिए। अभी तक कुछ और नहीं पढ़ा है, डोंट वरी। पढ़ लिया सर आपने इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, रजिस्टर में जाकर के सिर्फ इतना लिख दो एक्सेप्शन। वेंचर कैपिटल कंपनी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 AIF स्टार्टअप कंपनी, क्योंकि स्टार्टअप कंपनीज शेयर प्रीमियम पे ही इशू करती है ताकि उनको फंडिंग ज्यादा मिले। चलिए आपको एक और पॉइंट बताऊं, हालांकि कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है बट फिर भी आपको बताता हूं। इसी चीज के बाद
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहाँ यूज करना, इसके रिस्ट्रिक्शन लाए गए थे कंपनीज एक्ट में, दैट यू कैन नॉट यूज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एक्सेप्ट फॉर द मेंशन्ड आइटम्स। अगर मैं गलत नहीं हूँ, सेक्शन 55 स्पा के बारे में डील करता है शायद कंपनीज एक्ट का, मैं अभी श्योर नहीं हूं, बट शायद सेक्शन 55 ही है। यस, तो उसके बाद आपको क्या किया गया, कंपनीज एक्ट के अंदर में अमेंडमेंट किया गया, नहीं सेक्शन 55 इज इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का क्या था, एकदम ऐसा ना क्यूरोसिटी टाइप्स हो जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कहां यूज कर सकते, उसके कंडीशन फिर आपको इंसर्ट किए गए। इज दिस डन? चलिए यहां लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर के हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, चैप्टर ओवर। डन मालिक, सी यू आफ्टर द ब्रेक।